and watch the thing. ओके बच्चों, अब आई थिंक कि अब एक्सीलेंट कनेक्शन वगैरह सब चीज़ दिख रहा है। अब जो ऑनलाइन है एक बार मुझे बताएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और सब चीज़ हो रहा है। कैन यू कंफर्म नाउ कि अब आवाज़ आ रही है? अब सही है, अब सही हो गया है सब चीज़, क्योंकि अब यहाँ पे भी एक्सीलेंट कनेक्शन ये सब चीज़ लिखे हुए हैं। तो अब ज्वाइन कर लो सब, ओके? सो एवरी वन प्लीज ज्वाइन दिस। और मैं ये इसको अपडेट कर देता हूँ वहाँ पे। इसको ज्वाइन कर लो। अब सबको क्लियर आवाज़ आ रही होगी और सब चीज़ क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ पे पुअर कुछ एरर आ रहा था। एरर को अब क्या है, टेक्निकल पूरे पोर्शन को मुझे ही संभालना पड़ रहा है, तो आपको पता ही होगा कि थोड़ा बहुत इसमें वो दिक्कत हो जाती है। खैर, उन सबको आड़े रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बाकी लोग जुड़ जाए तो ठीक रहेगा, तो अच्छा रहेगा। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक कि अब बिल्कुल एक्सीलेंट हो चुका है। मैं वहाँ पे देखता रहूँगा, कहाँ पे देखता रहूँगा। मैसेज मैसेज देखने के लिए मुझे यहीं से वो करना पड़ेगा। मैं अपने इस पे लाइव मैसेज देखता रहूँगा, है ना? मुझे आवाज़ की ज़रूरत है नहीं, और लाइव एक बार मैं इस सारा चीज़ को ऐसे कर लूँ। लाइव मैसेज मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप लोगों को सब चीज़ ओके दिख रहा है ना? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर है। तो मैं वो करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। जस्ट कंफर्म कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, और फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? और मैं चैट देखने के लिए अब मुझे मोबाइल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा पार्ट को मैंने बंद कर दिया है, तो इसको मुझे ओपन करके रखना पड़ेगा। और हो सकता है कि लिटिल बिट डिले होता रहे, बट इट्स ओके, ठीक है? ऑल ओके है ना? मैं चैट देखने के लिए थोड़ा थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, जब जब भी मैं चीज़ों को ख़त्म कर लूँगा। देखता हूँ यहाँ पे मोबाइल पे दिख गया तो ओके है, नहीं दिखा तो मैं ऐसे आ जाऊँगा। चलो ओके, ठीक है, फिर ऑल क्लियर है तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। और ठीक है, और आप मुझे इसमें बताते रहना, जैसे कि जो जो थोड़ा सा पहले क्लास नहीं कर रखा है, पहली क्लास यदि लाइव कर रखा होगा उसका तो ठीक है, नहीं कर रखा हो उसके लिए मैं जस्ट बता दूं कि हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता रखा है, पार्ट 2 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? पार्ट 2 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको 3 लेक्चर मैं यहाँ पे दूंगा, जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो उन 3 लेक्चर में आज हम सेकेंड वाले पोर्शन पे है ना? आज हम सेकेंड वाले पोर्शन पे उन 3 लेक्चर में है। और ये सब आप पता ही है, जो जो नहीं देखा है वो पहला लेक्चर जरूर देख लेगा, तो आपको बढ़िया हो जाता है ये सारा चीज़, ठीक है? इस पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ बेसिक वगैरह बताया था, फिर आपको इसके जितने भी क्वेश्चन थे कुछ 20 के आसपास कुछ क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है? और इसमें रिमाइंड मैंने करा दिया था। और सबको पता ही है कि ये लेक्चर जो चल रहा है उसका बेसिक मेन जो फंक्शन है वो ये है कि आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू सारे चीज़ को रिवाइज कराता रहूं, ओके? सो पार्ट सेकंड में हम आए थे और 20 लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वो क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है? जितने भी हमने क्वेश्चन कर रखे हैं ये सारे क्वेश्चन है। और आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, ये लेक्चर सेकेंड है, तो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो लेक्चर सेकेंड हमारे इसमें है। और इसमें भी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, और ये आज के क्वेश्चन में नंबर 1 में देता हूँ। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको मैं नंबर 1 ऐसे कर रहा हूँ, और यहाँ से आप लोग बनाना शुरू करोगे। तो पहले आप अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ कि ओके इसका आंसर क्या होगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कोशिश करो कि आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ, ठीक है? वीडियो अटक अटक के आ रहा है, लैग हो रहा है, ओके? मे बी कुछ प्रॉब्लम हो वीडियो में। आज शुरुआत में ही कुछ ना कुछ एक हाँ दिखा रहा है, एक्सपीरियंस बफरिंग। चलो वीडियो का कोई बात नहीं है, आपके उसमें तो हो रहा है ना, आपके क्वेश्चन दिख रहा है,
क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है? क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए, और बाकी चीज तो चलो हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से सेट करते हैं बच्चे? मुझे ना थोड़ा सा इस स्ट्रीम सेटिंग का आइडिया कम है, क्योंकि मैं लाइव बहुत कम आया हूँ, और ये कहाँ से सेटिंग करेंगे वो मुझे दिख नहीं रहा है। सेटिंग कहाँ से करें बच्चे? एडिट चलते चलते में कहाँ से होता है? और एनालिटिक स्ट्रीम हेल्थ, स्ट्रीम हेल्थ तो सीधे इसमें वार्निंग दे रहा है, सिंपल एरर, यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो टू मेंटेन। वीडियो वाली प्रॉब्लम इसमें दिख रही है। अभी कहाँ से मैं ठीक करूँ मुझे आइडिया नहीं, उतना बढ़िया आइडिया नहीं है बस। चलो उस क्वेश्चन को आप पहले करो और मैं देखता हूँ। आपके लिए वर्किंग फाइन है, मुझे ये लाइव चैट क्यों नहीं दिख रहा? ओके, लाइव चैट दिख रहा है अब मुझे लाइव चैट भी दिखना शुरू हो गया, और मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी सा इसमें दिख रहा है। ओके, अब मुझे सब चीज़ दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे मैं जो पढ़ाता हूँ वही आपको पढ़ना है, सब्सक्रिप्शन तो मैंने नहीं कहा कि आपको कहीं सब्सक्रिप्शन लेना है। अब सब चीज़ ठीक है, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत लैगिंग वगैरह होगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मे बी नेटवर्क और कुछ का इशू होगा, मुझे पता नहीं कंप्यूटर का इशू है क्या है, कल मैं पूरे कंप्यूटर रिपेयर करने में लगा हुआ था, ठीक है? ओके चलो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन यहाँ पे बना लिया होगा, क्वेश्चन इसमें तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, जैसा कि ये पहले उस पार्ट का है, इसमें मूविंग क्वाइल है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका रेसिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मूविंग क्वाइल है, उसका एक रेसिस्टेंस 10 ओम ऐसे दिया हुआ है, और क्या करना है, इट गिव्स फुल स्केल ऑफ 0.5 वोल्ट पोटेंशियल। ध्यान रखना कि फुल स्केल जो ये पोटेंशियल देता है, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, यदि आप 0.5 वोल्ट लगा दोगे तो ये फुल स्केल फ्लो होगी, मतलब आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पे एक फुल स्केल करंट जो होगी वो फ्लो होगी। ओके, और ये कहता है कि हाउ कैन इट बी अडॉप्टेड टू मेजर करंट अप टू 100 एम्पियर, इसको 100 एम्पियर करंट मेजर करने के लिए इसको कैसे क्या करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम इसे 100 एम्पियर करंट यदि यहाँ पे फ्लो कराना चाहते हैं तो मुझे इसको, इस करंट को ऐसे डाइवर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे यहाँ पे संट की मतलब जरूरत होगी, और संट कैसे बनाएंगे, तो अब ये 100 एम्पियर है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करंट कितनी फ्लो होगी, तो हम कह सकते हैं कि 0.5/10 इसमें जो करंट फ्लो होगी, तो हम कह सकते हैं ये तो 0.5 वोल्ट हो ही गया इसमें, इसके क्रॉस में इक्वल टू लिखेंगे, तो जो भी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, मतलब 100 माइनस जो आई फुल स्केल करंट है ना, 100 माइनस I जो फुल स्केल करंट है, उसमें यदि हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे RSS से, तो इसके क्रॉस में क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये करंट इनटू ये रेसिस्टेंस, ये पोटेंशियल, और ये 0.5 होना चाहिए। अब यहाँ RSS के लिए सॉल्व करना है, तो बाकी को पुट करना शुरू कर दो, ये 100 माइनस, अब I फुल स्केल कितना होगा, 0.5/10, तो ये जस्ट 0.5/10 ऐसे हो जाएगा, और इनटू हम क्या कर देंगे, RSS कर देंगे, और RSS का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, ये 1000 माइनस 0.5 और ऐसे करके फिर इधर से मल्टीप्लाई करके वो सब देखो, या ऐसे करके यहाँ पे 100 कर सकते हो, और 5 से वहाँ पे 20 भी कर सकते हो, फिर ये 2000 माइनस 1/20 इंटू इतना हो जाएगा, तो 0.5 × 20/2000 - 1, ये चीज आपके पास में RSS आ जाएगा, तो कितना आएगा उसको देखो, उसके अनुसार से आपको पता चल जाएगा। ओके ठीक है, तो देखो तो कौन सा आंसर आया है, शंट तो हम लगाएंगे, शंट तो लगाएंगे, कितने का लगाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ओके,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें ये जस्ट क्या चीज बेसिस पे है, पढ़ो और उसको सॉल्व करो, पढ़ो और टिक करते जाओ। यहाँ पे दिया हुआ है, इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द आयरन मूव्स इन अ डायरेक्शन टू कॉज। तो ये आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में मैंने बताया था कि ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आयरन मूव करता है किस डायरेक्शन में, और या जिस डायरेक्शन में मूव करता है क्या चीज को सोचते हुए, ताकि उसका कॉइल इंडक्टेंस टू बी कांस्टेंट रहे, या म्यूचुअल इंडक्टेंस टू बी मिनिमम रहे, या मिनिमम रिलक्टेंस पाथ रहे, या डिक्रीज इन द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट रहे। तो आपको पता ही है कि मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। सो थर्ड ये यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी रहेंगे जो पढ़ते हुए और आप टिक करते जा सकते हो। तो ये क्वेश्चन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपको, तो ये क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ, ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, द इफ द करेंट थ्रू द ऑपरेटिंग क्वाइल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल्ड, द ऑपरेटिंग फोर्स बिकम व्हाट। तो ऑपरेटिंग फोर्स को टॉर्क से आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस टाइप का चीज होता है, जो भी यहाँ पे एक डिस्टेंस होगा इसका होता है। तो फोर्स का जैसा वेरिएशन होगा टॉर्क का वेरिएशन वैसा ही होगा, और मूविंग आयरन में टॉर्क जो होता है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। मूविंग आयरन में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। तो यदि इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग क्वाइल में करंट जो है ना मूविंग आयरन में, वो डबल यदि कर दिया जाए, तो करंट जैसे ही डबल करोगे तो जो टॉर्क हो जाएगा वो 4 times हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा, जो नया टॉर्क होगा वो ओल्ड टॉर्क का 4 times हो जाएगा। सो 4 times इज योर आंसर, है ना, ठीक है। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। आप लोग सभी आंसर ऐसे करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd और यहाँ पे डैश देके और आंसर 4, ऐसे करोगे तो क्या होगा कि थोड़ा पता चलता रहेगा, डिफरेंशिएट होता रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हो, ओके। चलो ठीक है, क्वेश्चन 3rd में 4 बहुत सारे लोगों का आया है। उसी तरह से जैसे हम 10 बना लेंगे, फिर चेक करेंगे कि कितना ऐसे किया है, फिर हम पार्ट 3rd में पहुंचेंगे। पार्ट 3rd में मैं रिवाइज कराऊंगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें क्या दिया, द टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज फॉर द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट। मूविंग आयरन में टाइप ऑफ डैम्पिंग क्या यूज करते हैं, तो ये याद करने वाला है आपको, वो टेबल याद रहना चाहिए, है ना, एक जगह मैंने बता दिया था। तो एयर फ्रिक्शन हम मेनली MI में यूज करते हैं, इसमें एडी नहीं यूज कर सकते हैं। एडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, मतलब एडी जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और मूविंग आयरन में ऑपरेटिंग फील्ड क्या है, आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि वीक है। मतलब उस लॉजिक को पकड़ के चलना कि मूविंग आयरन में एग्जैक्टली हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और यहाँ पे एक मूविंग आयरन का पोर्शन रहता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी यहाँ पे फील्ड बनाती है, ये इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग फील्ड। और ये ऑपरेटिंग फील्ड क्या होता है, बहुत ही मतलब स्ट्रांग नहीं होता, मॉडरेट सा होता है या थोड़ा वीक होता है। तो अब यदि मैं एडी करंट डैम्पिंग लगाऊं तो क्या करेगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको डिस्टॉर्ट कर देगा, तो मेन ऑपरेटिंग फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो आपको पता ही है कितनी दिक्कत होगी, इस वजह से इसको हटा दिया जाता है। तो इसलिए एयर फ्रिक्शन हम उसमें लगाते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन आपको बहुत ही रेयर ही यूज किया जाता है, क्योंकि लीकेज वीकेज ये सब की प्रॉब्लम होती रहती है, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 3rd बहुत पार्ट 2nd इंपॉर्टेंट था, पार्ट 3rd भी इंपॉर्टेंट था। पार्ट 3rd आज एक तरह से इस लेक्चर में पार्ट 3rd का अच्छा खासा रिवीजन आपको हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और बीच बीच में कुछ भी नया आता है तो मैं बताते रहूंगा। जैसे इसमें है कि इफ अ जीरो सेंटर्ड वोल्ट मीटर हैज ए स्केल फ्रॉम -5 टू +5। जीरो सेंटर्ड स्केल का मतलब क्या हुआ कि कोई स्केल है और मिडिल वाले पार्ट में जीरो शो कर रहा है, और एक एंड इसने बता दिया कि यहां पे मेरे पास -5 volts शो करता है, और दूसरा एंड बता दिया कि यहां पे +5 volts शो करता है, ठीक है। तो कहा द स्पैन ऑफ द इट इज व्हाट, स्पैन का मतलब होता क्या रेंज है। तो आपका स्पैन यहां से लेके कहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का स्पैन क्या हो गया, -5 volts से 5 volts तक में पूरा वोल्टेज रेंज कितना हो गया, 10 volts का रेंज हो गया। तो 10 volts का जो ये रेंज हो गया उसी को हम स्पैन कहते हैं। तो ये स्पैन का आपको आंसर मिल जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2nd हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फटाफट हम आंसर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन है ये कुछ इसमें, ठीक है, ओके। मेरा वीडियो लैगिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे जो चीज क्वेश्चन है वो तो आपको सही से दिख रहा है, और मेरे ख्याल से साउंड सही आ रही है। वीडियो लैगिंग है उसका देख लेंगे कि क्या है, मे बी कि मेरा सही से जो क्वालिटी है वो वाला पार्ट
लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत बढ़िया हूँ गलप्रीत, और आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी मेरे ख्याल से, और चलो मेजरमेंट रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ द यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल का मतलब आपको ऑलरेडी आप जानते ही हो कि जहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल का मतलब ये सेम सेम डिस्टेंस पे ऐसे ऐसे हो तो यूनिफॉर्म स्केल कहते हैं। तो किस में होता है? इलेक्ट्रोडाइनमो टाइप का होता है? नहीं, उसमें भी टी डी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाता है, तो नहीं होता है। मूविंग आयरन में भी टी डी जो होता है प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, तो नहीं होता है। पीएमएमसी में होता है, पीएमएमसी में टी डी जो होता है प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है, और इस वजह से इसमें यूनिफॉर्म स्केल है। डायनमोमीटर में भी नहीं रहता है, डायनमोमीटर वो इलेक्ट्रोडाइनमिक टाइप का ही हो गया। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने बना लिया कि क्या है। ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है उसको देखो। यहां दिया हुआ है द वोल्ट मीटर सोन इन द सर्किट रीड्स, मतलब यहां पे वोल्ट मीटर, देखो ये वोल्ट मीटर है और कह रहा है कि ये कितना रीड कर रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज दे रखा है कि ये 24 वोल्ट का है, ये 250 मेगा ओम का है, और ये 250 मेगा ओम का यहाँ पे है, और ये वोल्ट मीटर लगाया गया है, तो वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा। तो डेफिनेटली एक चीज क्या होगा कि जैसे वोल्ट मीटर यदि दिया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके क्लियर नहीं दिख रहा है, किस वजह से नहीं दिख रहा है? अब वो थोड़ा सा मैंने आज कहा ना कि आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको बीच में देखो तीसरा बार में ये स्ट्रीम मैंने शेयर किया है आपको, और जब मैं यूट्यूब वाले उस पर जा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा वार्निंग दिखा रहा है कि 1050 kbps है, आप 4500 होना चाहिए, तो इस वजह से मे बी कि आपको थोड़ा बहुत ये दिक्कत हो रही होगी, लेकिन चलो इसको हम संभालते हैं। और वीडियो यदि मैं बंद कर दूं तब तो चलेगा, और वीडियो बंद करूंगा तो फिर वो एक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर मज़ा नहीं आता। वीडियो यदि मैं बंद कर देता हूं तो थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, पर मैं नहीं चाहता कि वीडियो को बंद किया जाए, क्योंकि वीडियो बंद करने का मतलब होगा कि थोड़ा सा। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वोल्ट मीटर दिया और वोल्ट मीटर के बारे में कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब हम इसको आइडियल मानेंगे। पहला चीज़ है मानना कि ये हम आइडियल मानेंगे, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होता है कि इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है, तो इसे ओपन मान सकते हैं। तो मतलब हमारे पास ये जो सर्किट हो गया वो इक्विवेलेंटली सिंपल ये सर्किट हो गया, और ये आइडियल होने की वजह से इसके क्रॉस में जो भी वोल्टेज होगा उसे मेजर करके देगा, और आपको पता है कि ऊपर भी 250 नीचे भी 250, तो आधा आधा वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 वोल्ट है, तो 24 वोल्ट का आधा ये मेजर कर लेगा, मतलब 12 वोल्ट ये मेजर कर लेगा। ये सिंपल लॉजिक है, ठीक है, 12 वोल्ट ये मेजर कर लेगा। यदि यही चीज़ प्रैक्टिकल रहता है, जस्ट जस्ट मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ, लेट से एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट इसमें मैं करता हूँ कि मैं ये कह दूं कि सपोज करो कि अभी इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं कि ये वोल्ट मीटर है और इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस आरवी गिवन है, और लेट से मैं 1000 ओम कह देता हूं कि इसका रेसिस्टेंस है 1000 ओम। और अब यदि मैं पूछता हूं कि इसमें वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है, यदि अब मैं पूछता हूं आपसे तो क्या बताओगे, कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, चलो कोई एक बार आंसर देने का कोशिश करेगा। यही होता है जब हम साथ साथ सीखते रहें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो आप कोई इसको बताने की कोशिश करेगा कि यदि अब मैं कहूं कि ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, लिटिल बिट ऑफ इसमें रेसिस्टेंस है, और यदि मैं उसकी बात करता हूं तो कितना होगा इसका रीडिंग? हाँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल से ये हमने किया है, बिल्कुल वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया इक्विवेलेंट सर्किट, तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा, जो आरवी है वो भी शामिल हो जाएगा, और वो कितना है, ये है 1000 ओम, और यहाँ पे ये है 250 और ये भी है 250। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि इन दोनों का इफेक्टिव रेसिस्टेंस अब कितना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना का, 1000 का और 250 का। तो 1000 और 250 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो इतना हो जाएगा, नीचे प्लस कर देते हैं ऊपर माइनस कर देते हैं, ये सबको पता होगा, है ना। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे 0 गया और 25 से 5 हो गया, और 5 से यहाँ पे
200 हो गया, तो इसका मतलब इफेक्टिवली यहाँ पे 200 ओम हो गया। अब वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे रूल, तो यहाँ पे वोल्टेज पता चल जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि यदि ये 200 है तो 200 अपॉन टोटल 200 प्लस 250, और कितना वोल्टेज डिवाइड होना है, 24 वोल्ट डिवाइड होना है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, तो 200 बाई ये 450 हो गया और इनटू 24 हो गया, तो जो भी आंसर आएगा आप इसको लिख लो कि ये 0 ऐसे हो जाएगा, और 5 से देखे तो ये 9, और 5 से देखे तो ये 4, और 3 से ये तो ये कितना हो जाएगा 32/3, तो 32/3 वोल्ट देगा, ठीक है, 32/3 वोल्ट जितना भी आए, जैसे इसको क्या कह सकते हो मतलब 10 point something के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 10 point something के आसपास हो जाएगा। तो आप ये जो इम्प्रूवमेंट है उसको उसको पकड़ पाए, जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे है क्या उसको पकड़ पाए, कोई मुझे बताएगा जो इम्प्रूवमेंट है क्या आपने उसको पकड़ पाया, हाँ 10 point something तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको यदि ये, तो ये आपके आगे के लिए भी हो गया कि यदि वोल्ट मीटर देता है, आइडियल है, तो आपको तो सिंपल सर्किट सॉल्व कर लेना है, यदि वोल्ट मीटर देता है और यदि वो आइडियल नहीं है, है ना, आइडियल नहीं है, और यहाँ पे ये चीज़ यदि मैंने ऐसा बनाया, तो आपको वोल्टेज डिवाइडर सेम सर्किट को ही सॉल्व करना है, बट इसमें थोड़ा सा आपको ये देख लेना है कि हम आरवी को भी यहाँ पे मान लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करके इफेक्टिव करके फिर सॉल्व कर लेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में हम आते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन एमीटर रेंज कैन बी डन बाय यूजिंग, मूविंग आयरन एमीटर का रेंज एक्सटेंशन हम क्या चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है, इंडक्टर से, शंट से, मल्टीप्लायर से, कैपेसिटर से, क्या चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है मूविंग आयरन है तो उसका यदि हमें उसे मूविंग आयरन एमीटर है तो चलो एमीटर तो है ही, है ना, और ये मूविंग आयरन का बना हुआ है और इसका रेंज बढ़ाना है तो ऑब्वियसली हमें इसके पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, और पैरेलल में जो लगता है उसे शंट कहा जाता है, ठीक है, वो उसे क्या कहा जाता है, शंट कहा जाता है। और मैं आपके जानकारी के लिए सिर्फ यह बता दूं कि वो जो शंट होगा जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वो डेफिनेटली इम्पेडेंस टाइप का चीज होगा, आपको याद होगा, क्योंकि एमीटर जो होता है, जैसे जो मूविंग आयरन से रिलेटेड जो एमीटर होता है या जो मेन गैल्वेनोमीटर मूविंग आयरन से बनाते हैं वो एसी के लिए भी होता है, और एसी के लिए होता है तो एक्सटेंशन में मुझे इम्पेडेंस टाइप का चीज रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जेड टाइप का चीज पूरा रखना पड़ता है जो कि आर प्लस जे एक्स के फॉर्मेट में रहेगा। और आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, और उससे उससे हमें बचने के लिए टाइम कॉन्स्टेंट बराबर रखते थे, किसका, इसका टाइम कॉन्स्टेंट और जो एमीटर जो बेसिकली जो आएगा फंड उसका बेसिक मूवमेंट के लिए उसके टाइम कॉन्स्टेंट को हम बराबर रखते थे, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 8 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में क्या हो जाएगा, सेकेंड हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, अच्छा देखो एक चीज और मैं आपको बताते चलूं, कभी भी क्वेश्चन बड़ा सा दिखे ना तो एक बार दिमाग में ये देखना कि जहां पे राइटिंग बड़ा सा होगा वो डेफिनेटली क्वेश्चन जो होता है वो आसान होता है, क्योंकि जब ज्यादा चीज लिखा हो तो होता क्या है, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए सारा चीज लिखा रहता है, लेकिन क्वेश्चन यदि वन लाइनर हो, एक लाइन में हो, तो हो सकता है कि वो टफ हो, ज्यादातर ऐसा होता है। तो क्वेश्चन बड़ा देख के साइकोलॉजी ये नहीं बनाने, अरे बड़ा इतना क्या चीज पढ़े ऐसा करके। और दूसरा चीज मैं कई बार आपको बताते रहता हूं, हमेशा दो बार में क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार बिल्कुल स्पीड रीडिंग में करो। स्पीड रीडिंग करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में एक वो एरिया एक्टिव हो जाता है, जैसे यहाँ पे व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग आयरन व्हेन इंडक्टेंस मूविंग आयरन, जैसे ये माइक्रो हेनरी में दिया हुआ है, थीटा जीरो पोजिशन डिफ्लेक्शन, जैसे ही आपने कुछ कुछ की वर्ड को पढ़ा हमारे माइंड में एक एरिया डेवलप हो जाता है। सेकेंड पार्ट, अब आराम से पढ़ो और डेटा कलेक्ट करो, जैसे यहाँ क्या कि व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन इन रेडियन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मतलब पहला पार्ट में ये कह रहा है कि मुझे थीटा जो चाहिए वो निकालना है और वो भी रेडियन में रहना चाहिए, ये भी इसने कह दिया। अब क्या दिया हुआ है, व्हेन द इंडक्टेंस ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज दिस, मतलब हमें इंडक्टेंस यहां पे दे दिया है कि ये 10 + 6 थीटा और ये भी माइक्रो हेनरी के टर्म्स में यहां पे है। अच्छी बात है, डेटा लिखना शुरू कर दिया, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन रेडियन, ऑब्वियसली ये रेडियन में है,
और फ्रॉम जीरो पोजिशन, ठीक है, एंड द डिफ्लेक्शन करेंट इज इतना, आई भी दे रखा है कि यहाँ पे 6 एम्पियर करेंट फ्लो हो रही है, और दूसरा एजूमिंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज दिस, मतलब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी यहाँ पे दे दिया है कि ये 10 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन है। यूनिट वगैरह को कभी भी छोड़ा मत करो, क्योंकि यूनिट से क्या होता है, कभी कभी चीजें चेंज हो जाता है, जैसे ये यदि डिग्री में पूछता तो आंसर बदल जाता, रेडियन में पूछा है तो सब चीज ऐसा है। अब क्या जानते हो आप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, जब बराबर होता है वहीं पर डिफ्लेक्शन दिखता है। तो जैसे ही आपसे डिफ्लेक्शन पूछा तो दिमाग में आएगा ओके, जहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर होता है वहीं से हम थीटा निकालते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है, हाफ आई स्क्वायर डीएल बाई डी थीटा होता है, और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, के थीटा होता है, दैट्स ऑल। अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा हर चीज कि मुझे क्या क्या चीज दिया है और क्या निकालना है। तो अब देखो, यदि इसमें जो वैल्यू दिया गया है उसको जेंटल तरीके से आप जस्ट पुट करना शुरू करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले देखो, हाफ हमें तो नंबर है, आई स्क्वायर क्या है तो 6 एम्पियर दे रखा है, तो 6 एम्पियर दे रखा है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू अब डीएल बाई डी थीटा है। तो देखो कहीं पे भी यदि ये चीज दे दे तो यहां से हम डीएल बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसी मैं यहां पे डीएल बाई डी थीटा लिखूं तो आप यहां पे कहोगे कि 10 है, कांस्टेंट है, तो उसका हो जाएगा 0, और प्लस 6 × थीटा है तो 6 बाहर, और थीटा का जो होता है वो 1 हो जाता है ऐसा। और ध्यान रहे कि इस पूरे ब्रैकेट के बाहर में माइक्रो हेनरी रखा हुआ था, तो माइक्रो को बदल के 10⁻⁶ और ऐसे हम लिख देते हैं, डेफिनेटली ये हेनरी पर रेडियन हो गया, क्योंकि डीएल बाई डी थीटा हमने निकाला है तो डेफिनेटली ये हेनरी पर रेडियन जैसा चीज हो गया। ओके, सो अब आपको डीएल बाई डी थीटा भी मालूम है और वो कितना है, 6 × 10⁻⁶, ये आपको मालूम है। अच्छा, मैं बाकी चीजें भी यूनिट लिखता तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे हो जाता एम्पियर का स्क्वायर, और यहां पे क्या हमने लिखा कि हेनरी पर रेडियन है, हेनरी पर रेडियन है, और बाकी यहां पे के का वैल्यू दे रखा है कितना, 10 × 10⁻⁶ और न्यूटन मीटर पर रेडियन, और इतना इंटू एक थीटा यहां पे हो जाएगा। ओके, तो आप बताओगे तो बाकी आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो सारा चीज कैंसिल आउट हो वगैरह के, और जो हमें बचेगा वो रेडियन में ही बचेगा, ठीक है, सब चीज रेडियन में दिया है इसी वजह से। तो आप अब आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो आपके पास में इस इक्वेशन में क्या है, थीटा ही तो एक अननोन है, बाकी सब तो गिवेन है, तो सॉल्व करो, हाफ इंटू 6² इंटू ये वाला पार्ट हो गया, और यहां से इसको डिवाइड कर दो, वही थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6² इंटू 6 × 10⁻⁶, और इसमें डिवाइड करना है 10 × 10⁻⁶, यही थीटा हो जाएगा, और जो आएगा वो रेडियन में डायरेक्ट रहेगा। तो कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁶ तो ऐसे ही गया, ठीक है, और नीचे 10 है, ऊपर 6 है, 6 का स्क्वायर है, 6 3 हो गया, और नीचे 20 हो जाएगा, तो देखो 6 × 6 × 6 / 20 टाइप का चीज आएगा, कौन सा आंसर आएगा देखो, तो 6 × 6 तीन बार 6 आ गया, और नीचे 2 × 10 तो नीचे 20 आ गया, ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा, कौन सा वैल्यू आ जाएगा देख लो, इसको तो ऐसा कर लो कि इसको 10 कर लो और 2 से ये 3 कर लो, तो ये 36 × 3 और बाय 10, तो जस्ट एक पॉइंट ऐसे बना देना है, तो ये 18 और 9 और 10 इतना और एक पॉइंट 10.8, सो 10.8 इज योर आंसर, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि जब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो ज्यादा डेटा दिया गया है, हमें सिस्टमेटिकली उस डेटा को लिखना है, और आपका जैसे जो मैंने पहला स्टेप बताया ना कि पहले आप एक बार मतलब कि एकदम बिल्कुल हाई स्पीड में क्वेश्चन को पढ़ लो तो दिमाग में एक्टिवेट हो जाएगा एरिया, क्योंकि ये सब एरिया कौन सा है, मूविंग आयरन है, एल दिया हुआ है, थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, थीटा निकालना है, आई दिया हुआ है, तो वो चीज एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो सेकंड में डेटा लिखोगे और फिर अब सिस्टमेटिक चलोगे आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा जब हम पढ़ते हैं तभी हमारा माइंड रिकॉल करके देता है वापस कि ओके तुम्हें किस चीज से किस ढंग से इसको सोचना है। ओके चलो, ओके सो अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, 10th नंबर पे, ठीक है। अब 10th नंबर में क्या है क्वेश्चन दिया हुआ और हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पे हम आते हैं। तो 10th में देखो कि क्या है,
आप साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो मैं सिखाते रहता हूँ वो चीज़ भी फॉलो करते रहोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो मैं सिखा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको इवॉल्व करता रहेगा एज अ कॉम्पिटिटर, ठीक है। और क्वेश्चन से आपको डर हट जाएगा कि अब क्वेश्चन बनाने का मन करेगा, ठीक है। और वो मोड आना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन से डर हट जाए और ऐसा मन करे कि और मुझे कुछ क्वेश्चन दे और मैं बनाऊं क्योंकि मैं सीख चुका हूं, तो उस तरह का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ओके, नाउ 10 नंबर में हम देखते हैं कि क्या है। ओके चलो, इसमें दिया अ 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज इज मेजर्ड विथ मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, ठीक है। 50 हर्ट्ज का एक एसी वोल्टेज है और इसको हम मेजर करने जा रहे हैं क्या चीज से, मूविंग आयरन से। तो आपको पता ही है कि मूविंग आयरन जो होता है वो आरएमएस प्रोड्यूस करता है, तो ये इसके आरएमएस वैल्यू को रीड करके दे देगा। तो कहा एंड द रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, और एक रेक्टिफायर टाइप का एसी वोल्ट मीटर भी है, ठीक है। तो रेक्टिफायर टाइप का एसी वोल्ट मीटर क्या करता है, इसको पहले यहाँ पे रेक्टिफाई करेगा और जो रेक्टिफाई होगा उसको वो क्या करके देगा, उसको फिर रीड करके देगा, ठीक है। कनेक्टेड इन एसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। इफ द मीटर रीडिंग आर V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली एंड द मीटर्स आर फ्री फ्रॉम कैलिब्रेशन एरर, देन द फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी वोल्टेज मे बी एस्टिमेटेड एज। सबसे पहले मुझे बताओ जो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर दिया है वो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए कि आरएमएस बाई एवरेज क्वांटिटी जो होता है, आरएमएस बाई एवरेज क्वांटिटी जो होता है उसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। आरएमएस बाई जो एवरेज क्वांटिटी होता है उसे हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं, पहला चीज, क्योंकि ये इसने पूछा है। अब एमआई इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली आरएमएस दे देता है और इसने जो रीड किया है इस क्वेश्चन के अनुसार से वो कितना किया है, वो V1 किया है, तो वो क्या करेगा, ये तो V1 इसने दे दिया, ठीक है। दूसरा कि अब रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको रेक्टिफायर टाइप के इंस्ट्रूमेंट का एक छोटा सा बात बता देता हूं, होता क्या है। जैसे एक मैंने अभी इससे पहले वाले क्लास में आपको डिस्कस किया था, बट यहां पे थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ एक और चीज बता देता हूं। जैसे हमारे पास कोई एसी है, ओके, और यदि वो एसी है और इसको यदि मैंने पहले रेक्टिफायर से पास करा दिया, तो रेक्टिफायर क्या करता है, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये एसी है और जो डीसी में कन्वर्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर है, बिना कुछ कहे तो फुल वेव रेक्टिफायर कर देंगे। तो यहां जो सिग्नल मिलेगा आपको वो ऐसा मिलेगा, और ये जो सिग्नल हो गया ये एग्जैक्टली डीसी हो गया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसके आगे पीएमएमसी डिवाइस लगा देते हैं, ठीक है। अब जब पीएमएमसी डिवाइस लगा देंगे तो वो इस डीसी का क्या चीज मेजर करके देता है, एवरेज। तो हम सबको पता है कि ये क्या देगा, ये एवरेज मेजर करके देगा, ओके। सो ये एवरेज मेजर करके देगा, तो एक तरह से उसी मेजरमेंट को इसने क्या कह दिया है, V2, इसी को कह दिया है कि इसने जो मेजर किया उसे V2 कह दिया। तो आपके पास आरएमएस और एवरेज डायरेक्टली यहां पे मालूम है, तो जो रेशियो लोगे तो आपको आंसर मिल गया। अब यहां पे कुछ क्लियरिफिकेशन मैं दे रहा हूं और क्वेश्चन का कुछ पोर्शन में हो सकता है कि आपने नहीं समझा होगा, वो क्यों लिखा गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या आपको अभी जो मैंने अभी बताया इतना चीज क्लियर है? अब मैं कुछ कुछ एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं, उस चीज की क्लियरिटी को पकड़ लेना, ओके। यहां तक सबको ठीक है, बोलो। यहां तक जो मैंने अभी बताया कि एमआई इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे तो डायरेक्टली वो आरएमएस ऐसे दे दिया और उसको V1 कहा तो हमें पता चल गया, रेक्टिफायर टाइप के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे तो वो एवरेज दे देगा, तो आपके पास में यहां पे आ गया जो V2 है, दोनों का रेशियो जो है वो हमारे पास में क्या आ गया, फॉर्म फैक्टर आ गया, ठीक है। आरएमएस बाई एवरेज हमारा फॉर्म फैक्टर आ गया, ठीक है, ठीक। अब मुझे एक चीज यहां पर बताना है, सबसे पहला चीज, इसने ऐसा क्यों बोला, देखो ध्यान देना। अब जो मैं क्लैरिटी आपको देना चाह रहा हूं उस चीज को आप बहुत ही गौर से सुनोगे, ठीक है। हाँ वो हो, लेकिन उसको V2 कह दिया ना, ठीक है, उसको V2 कह दिया तो उसको सीधे हम जो भी आप लिख रहे हो कि 2 Vm/π होगा, तो उसको तो V2 दे दिया है, तो V2 लेके हम चल रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, यहां पे एक चीज कहा है कि फ्री फ्रॉम कैलिब्रेशन एरर,
ये कहा है कि ये दोनों जो MI और रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये एज अ होल रेक्टिफायर प्लस PMMC को एज अ होल रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम कहना शुरू कर देते हैं। और आपको पता होगा कि PMMC जो था वो बहुत ही बेहतरीन हमारे पास में डिवाइस है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, उसका टॉर्क बाई वेट रेशियो बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज उसमें अच्छा था, सिर्फ एक चीज गड़बड़ था और वो बहुत पावर कम कंज्यूम करता है ड्यूरिंग मेजरमेंट। एक चीज था कि वो सिर्फ DC के लिए काम करता था, तो हमारा मन हमेशा था कि उसको AC के लिए भी काम कराए, तो वहां पे हमारे पास आया था कि रेक्टिफायर यूज कर दो, तो रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन यहां पे हमने कर दिया। अब ध्यान रखना कि जिस मकसद से इसे बनाया गया है वो मकसद ये है AC को मेजर करना, मतलब RMS को मेजर करना, RMS को मेजर करना इसका बेसिक मकसद है। और यदि मैं कहता हूं कि ये यदि हमारे डिवाइस है और VM इसका पीक वोल्टेज है, तो डेफिनेटली VM बाई रूट 2 इसका मेन पार्ट है जिसे मेजर करना है। लेकिन ये मेजर क्या करके देगा, जो भी यहां पे आएगा तो इसको एक्चुअली में ये 2VM बाई पाई मेजर करके देगा। लेकिन हमारे ऊपर है, यदि मैं इसको AC मेजरमेंट के लिए ही बनाया हूं तो क्या करूंगा कि इस 2VM बाई पाई जहां पे आ रहा है उसके जगह पे प्रिंट आउट क्या चिपकाऊंगा, VM बाई रूट 2। समझ में आ गया? तो ये क्या, तो हम इसको कहेंगे कि नाउ दिस रेक्टिफायर टाइप PMMC इज कैलिब्रेटेड टू मेजर AC वोल्टेज। गॉट इट? ये पॉइंट को समझ में आया, ये पॉइंट सबको समझ में आया कि यदि मैं ये मेजर तो कर रहा है अपना एवरेज वैल्यू, लेकिन जब ये कांटा यहां पे पहुंच गया और मेरी मर्जी, मैं इस जगह पे क्या लिख दूं, 2VM बाई पाई के जगह पे मैं यदि यहां पे लिख देता हूं कि नहीं ये VM बाई रूट 2 प्रिंट आउट यहां पे चिपका दो, तो कोई मना नहीं करेगा। बस एक तरह से हमने क्या कर दिया कि सेम PMMC को रेक्टिफायर के साथ में कंबाइन करके उसे कैलिब्रेट कर दिया है AC मेजर करने के लिए। गॉट इट? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? तो यहां पे इसने ये स्पेसिफाई कर दिया कि कैलिब्रेशन एरर को छोड़ो, कि कैलिब्रेशन वगैरह करना नहीं है, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप उसको एवरेज मानो, कि वो जो PMMC होगा वो एवरेज देगा, ठीक है। अदरवाइज यदि कोई कहता है कि एक रेक्टिफायर टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यदि मैं AC देता हूं तो क्या मेजर करके देगा, तो वो RMS मेजर करके देगा, क्योंकि यदि बिना कहे कोई चीज है तो वो RMS के लिए कैलिब्रेटेड है, ठीक है। ओके, तो ये कैलिब्रेशन का ये मतलब होता है और ये होता है। तो ये चीज को क्लियरिटी के साथ में आपको मैंने बता दिया। तो इस क्वेश्चन के सहारे मुझे ये सारे चीज डिस्कस करना था, और यही सब आपको इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं अलग से जो फुल सिलेबस रिवीजन का जो पूरा ये मैं जो लाया हूँ इसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम अब सॉल्व करते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, क्या क्लियरिटी चाहिए, किस लेवल का क्लियरिटी चाहिए, ये सब चीज जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो डीप डाइव जाते ही हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन में भी आपको क्या लेवल पकड़ना है वो आपको अनुभव हो रहा होगा। ओके है? सो नाउ अब मुझे सब बताएगा कि 10 क्वेश्चन में कितने लोगों का कितना सही हुआ है, जैसे ऐसे करके कि 10 में आपका कितना सही हुआ है, जैसे आप लिखते हो उसके अनुसार से मुझे बताओगे कि 10 में कोई जैसे 8x8x10 ऐसे करके कि 8 सही है ऐसा करके, या 10x10, 9x10, 7x10 ऐसे करके, ठीक है, बताओगे किसका कितना आया, टेल मी फास्ट। किसने कितना कितना आंसर करेक्ट किया है, 6x10 मुकेश ने, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में, क्योंकि आप निकालने जा रहे हो यहां पे कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो बिल्कुल ऑनेस्टी होना चाहिए इसमें, कोई भी आप अपने मन से एड ऑन और वो नहीं करोगे, ईमानदारी से लिखो, आपको एक आंसर सही हुआ है तो एक ही लिखो, ताकि आपकी बॉडी और माइंड को यह समझ में आए कि मुझे इंप्रूव करना है। और यदि आप सो करने के लिए लिख दोगे कि 10x10 है, यदि सपोज करो कि 10x10 आपने सही नहीं किया और 10x10 लिख दिया, तो कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट आपको ही करेगा, वो नेगेटिव वे में। पढ़ाई लिखाई बहुत ही ईमानदारी चीज, ईमानदार प्रोसीजर्स होता है, ठीक है, बहुत ही डिवाइन और ऑनेस्ट प्रोसीजर होता है। तो जितना ऑनेस्टी से पढ़ाई करोगे, जितना ऑनेस्टी से अपने आप को एनालिसिस करोगे, उतना ऊपर जाओगे, उतना मस्त आपका कॉम्पिटिशन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अ रेक्टिफायर इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस के लिए रेक्टिफायर यूज किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो ये अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसका आंसर तो सबको ही कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आप मैं लिख देता हूँ 11, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे
तो उसके अनुसार से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 11 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। पिछले क्लास में हमने जस्ट 20 क्वेश्चन किया था और एक एक बड़ा सा पोर्शन को रिवाइज कर लिया था, पार्ट वन और पार्ट टू को, ठीक है। तो उसका कुछ पोर्शन आज हम क्वेश्चन सॉल्व करें। आज पार्ट थ्री हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन फोकस है, जिसको रिवाइज करके उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर पार्ट फोर और पार्ट फाइव वाले पोर्शन को फिर हम देखेंगे, कल भी क्लास में एक रखूंगा लाइव, ठीक है, तो उसमें वो एडिशन हो जाएगा। 11 में 3, ऑब्वियसली बात है कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और इसी के लिए उसमें लगा रहता है ना। हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए, हाई करंट को मेजर करने, ये पर्पस से रिलेटेड ही नहीं है, मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट मोर स्टेबल ऐसा कुछ है ही नहीं। मेन तो रेक्टिफायर का काम क्या है, उसका काम है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। ओके चलो, 11 आपको समझ में आ गया और आपने बना लिया। 12 को बताओ, मोर पावर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ मूविंग आयरन मीटर देन पीएमएमसी। ये फैक्ट आपको पता है कि पीएमएमसी को ऑपरेट कराने के लिए बहुत ही छोटा सा पावर की जरूरत है, बट मूविंग आयरन को ऑपरेट कराने के लिए बड़े से पावर की जरूरत है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें कि इसमें क्यों मूविंग आयरन में ज्यादा पावर की जरूरत होती है, टेल मी फास्ट। 12 नंबर क्वेश्चन में हाँ है, तो उसमें हम दूसरे तरह के क्वेश्चन करेंगे, वो सेपरेट है, ये सेपरेट है। आप यूट्यूब वाले पार्ट पे जो मैं आपको देता हूँ, वो उसका मकसद ऐसा है कि पूरा सिलेबस आपके आंखों से दोबारा चला जाए, ठीक है, और वहाँ पे जो शेड्यूल्ड है उसके अनुसार से सब चीज़ चलेगा, वो क्लास होगी। ये एडिशनल हेल्प है आपको, आपके लिए, ठीक है, ये एडिशन है। सेकेंड आंसर, तो अब ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा रिलक्टेंस है तो ज्यादा पावर की जरूरत होगी। जैसे यदि यही इलेक्ट्रिसिटी से रहता तो उसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होने की वजह से ज्यादा पावर वहां पे कंज्यूम होता, ज्यादा रिलक्टेंस होने की वजह से हमें ज्यादा पावर उसमें देना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा ताकि वहां से फ्लक्स पार कर सके। तो आंसर इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जो जुड़ा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है और रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे जुड़ा हुआ है, तो आंसर इज रिलक्टेंस, ठीक है। चलो 12 के बाद ये 13 हम बनाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सिंपल इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में सबसे सिंपल इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ओके इसमें आपको कोई बड़ा ज्ञान की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है कि जो पैनल आप देखते हो, पैनल कहाँ पे रहता है, जैसे पावर सिस्टम वाले उसमें देखोगे जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होता है या बड़ा ट्रांसफॉर्मर वहां पे रहता है, तो पैनल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, कहीं पे भी आप देखोगे, तो सबसे सिंपलेस्ट क्या रहता है उसमें, आप बता सकते हो, कॉमन सेंस है। जुगल किशोर कुमावत, नाइस टीचिंग, थैंक यू। आप शायद पहली बार पढ़ रहे हो क्या जुगल, तो आप बाकी लेक्चर्स भी देख लोगे, बाकी लेक्चर देख लोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी लेक्चर को देख लेना तो इसके कंटिन्यूटी में आपको पता चल जाएगा ये पार्ट वन में क्या था, वो चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो इसमें आंसर इज ऑलमोस्ट, लोग जो लिख रहे हैं वो 13 में 4 लिख रहे हैं, किसी ने 1 कह दिया, किसी में, ठीक है, ओके। चलो इसमें मैंने कहा था कि कॉमन सेंस की जरूरत है, ये एक्चुअली क्या होता है, लाइट बल्ब जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एक तरह से क्या है, इंस्ट्रूमेंट हो गया। लाइट बल्ब से हम क्या देखते हैं, ओके इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, और वो थोड़ा सा डीम है या थोड़ा ब्राइट है, ओके वोल्टेज ज्यादा है या कम है। तो डीसी वोल्ट मीटर, आमीटर, सिंक्रोस्कोप, ये सब तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आ गया ना, मतलब सबसे सिंपल क्या हो गया, लाइट बल्ब हो गया। लाइट बल्ब, लाइट जल रही है मतलब वहां पे पैनल में बिजली है या नहीं है, वो इंडिकेटर होता है ना, एक इंडिकेटर, तो इंडिकेटर सबसे सिंपलेस्ट एक तरह से क्या हो गया हमारे पास में, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो हमें इंडिकेट करता है कि ओके लाइट है या नहीं है, ओके। तो ये कॉमन सेंस का ऐसी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं जिसको सिलेबस से मतलब नहीं रहता, थोड़ा बहुत इधर उधर से जो यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टाइप के एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें एई जेई का निकला है वो दे रहे हो, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। आप आरआरबी का दोगे तो ट्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो वहां से पूछ लेंगे, तो डिपेंड करता है उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट में है, मूविंग आयरन मीटर विल ऑपरेट ऑन, ये 13 के बाद ये 14 नंबर होगा। तो मूविंग आयरन मीटर विल ऑपरेट ऑन डैश, इसमें देखो सब जानता होगा ये,
सर कल वाला क्लास में लैग ना तो अच्छा होगा। अब ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा बच्चे, लेकिन जैसे कुछ कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं रहता, मैं इसलिए फिर से पूरा रीस्टार्ट करके अपनी तरफ से जितना टेक्निकल स्मूथ हो सके वो मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे हाथ में चूंकि नेटवर्क और ये सब थोड़ा सा नहीं है, अभी मैं इतनी ही देर में अपडेट वगैरह सब चीज़ करके और आपको कर दिया था। ठीक है, मेरी तरफ से फुल कोशिश रहेगी कि कुछ लैगिंग और ये सब ना हो। ओके, सो 14 मूविंग आयरन मीटर विल ऑपरेट ऑन एसी सर्किट ओनली, डीसी सर्किट ओनली, ईदर एसी और डीसी, एसी और डीसी व्हेन रेक्टिफायर इज यूज। क्या होता है, कोई भी चीज़ इसमें कर सकता है, ये एसी या डीसी में करता है, ऐसा नहीं कि इसमें रेक्टिफायर लगाओगे तब ऐसा होगा। हाँ, यही चीज़ यदि मैं थोड़ा सा बदल देता, यदि मैं यहाँ पे ये लिख देता मूविंग आयरन के जगह पे, मूविंग आयरन के जगह पे यदि मैं पीएमएमसी लिख देता, मूविंग आयरन के जगह पे यदि मैं पीएमएमसी लिख देता, तो बताओ पीएमएमसी यदि लिखता तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता, कोई बता सकता है? बच्चे 11 बजे, एक्चुअली सैटरडे संडे में मैं अपने अपने लिए समय रखता हूँ, और अपने लिए मतलब मैंने ये कम्युनिटी को डेडिकेट कर दिया है थोड़ा सा, तो मेरी तरफ से 11 रहने दो, कि एटलीस्ट जो सप्ताह का 5 डेज रहता है ना उसमें मेरे पास 5 मिनट का भी समय नहीं रहता, सैटरडे संडे अपने लिए निकालता हूँ। उसमें भी कुछ ना कुछ एडिशनल क्लासेस वगैरह रहती है, तो जो हम फैमिली बने हैं उनके लिए मैंने ये सब डेडिकेट कर रहा हूँ, तो 11 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेस वेस में ले आना, एक दिन नहीं नहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, किसी दोस्त को बढ़ाओ, दोस्त मेरे लिए खाना रख लेना, ऐसे करके जुगाड़ू बनो। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे पीएमएमसी यदि होता तो एसी और डीसी दोनों के लिए काम करता, लेकिन यदि एसी रहता तो रेक्टिफायर को हमें यूज करना पड़ता है ना, क्योंकि वो सिर्फ डीसी को मेजर करता है, तो यदि एसी है तो पहले रेक्टिफाई करो फिर उसे आप यूज करो। तो पीएमएमसी होता तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाता, और एमआई है इसी वजह से ये क्या है, थ्री है ना पीएमएमसी में, तो पीएमएमसी तो ओनली डीसी के लिए करता है, लेकिन यदि एसी और में आ गया तो रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। तो इसके जगह पे हम क्या कर देते, फोर्थ आंसर दे देते। सेकंड भी बहुत लोग सोच रहे होंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं वैसा, लेकिन जब ऑप्शन दिया रहे तो वहां पे आपको कॉमन सेंस काम आना चाहिए। और ऑप्शन में हमेशा कभी भी आप इंस्ट्रक्शन देखोगे तो ये लिखा जाएगा कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको एक आंसर बताना है जो मोस्ट सुटेबल होगा, या समझ में आया, मोस्ट सुटेबल एक आंसर क्या होगा इसका। तो ये जो वर्ड यूज करता है उसमें आपको ये देखना पड़ता है। आप ये तो पढ़ के आए हो ना कि पीएमएमसी जो होता है वो क्या करता है, ओनली डीसी के लिए करता है, ओनली डीसी के लिए करता है। यस, दिस इज करेक्ट, बट नाउ यदि इस फोर्थ ऑप्शन को आप देखोगे तो उसका इंप्रूव्ड वर्जन है, इसी का इंप्रूव्ड वर्जन है। इसने ये लिखा कि एसी के लिए भी कर सकता है और डीसी के लिए भी कर सकता है यदि हम रेक्टिफायर यूज करें तो अच्छी बात है ये, और इंप्रूव्ड हो गया, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट फोर्थ हो गया टू के जगह पे, यदि ये पीएमएमसी होता तो, मैंने कहा। तो ये सब लैंग्वेज को भी आपको समझ के रखना है, ये छोटे 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 कहीं कहीं आ जाता है तो आप ये हो जाएगा। चलो, तो अभी तक मैंने यहां आपको यहां तक जो क्वेश्चन किया वो पार्ट सेकेंड का पोर्शन था। अब मैं पार्ट थर्ड में आपको कुछ चीजें रिवाइज कराऊंगा और फिर हम पार्ट थर्ड के क्वेश्चन को देखेंगे, और पार्ट थर्ड में हमारा मेन मकसद है पावर और एनर्जी को मेजर करना। ठीक है, तो उसमें बेसिकली कितना चीज आपको याद रखना है उस पे हम आते हैं। और तो अब बता सकते हो 14 में कितने आपका सही हुए, जिस जिस जिसने सही किया वो यहाँ पे बता दो 14 में कितने क्वेश्चन आपने सही किया, और थोड़ा सा परसेंटेज में देखो कि क्या वो आता है, मतलब जितना सही किया अपॉन 14 × 100 वो परसेंटेज क्या आता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके देखो। और वो यदि 70% से ऊपर आ रहा है विथ असिस्टेंस, मेरे असिस्टेंस, तो अच्छा है ना। यदि जो जैसे मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ कि आप करेक्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। 70% से ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, और उससे थोड़ा कम आ रहा है, 50 के अराउंड से 70 में आ रहा है, नीड इम्प्रूवमेंट, और 70 से ऊपर आ रहा है और 80 से ऊपर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। परसेंटेज देखो, तो परसेंटेज क्या कर रहे हो आप लोग, जैसे मोबाइल वाइल में ये सब कैलकुलेटर होता है ना, फटाफट ये सब देखना चाहिए, ये पॉजिटिविटी देता है, इंस्टेंट एक तरह से क्या है, एनालिसिस है खुद का कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत कहाँ है, कितना है, कैसे है, क्या करना है, ऐसे। तो परसेंटेज में आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो।
92% भी है, 84% भी है, 78% भी है। अभी आई थी उसमें 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने अटेम्प्ट में, यहाँ पे वही है ना, कितने अटेम्प्ट में कितना सही हुआ है वो चीज़ आपको देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 14 में नहीं देखना है, आपने यदि 5 क्वेश्चन में 4 सही किया है तो उसके अनुसार से देख लो। तो परसेंटेज तो वही सबसे बढ़िया चीज़ होता है। ओके, सो जो 40 है और 50 है, वो उसको लग रहा होगा कि आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अभी और इम्प्रूव करना है, और वो हो जाएगा, वो नेगेटिव चीज़ नहीं है। कम से कम हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूं, तभी तो हम तैर के आगे निकलेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, वेरी गुड। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन में अब थोड़ा सा मैं सब चीज आपको, हाँ मुकेश आपने सब सही किया, वेरी गुड। चलो तो पार्ट थर्ड में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, दो चीज पे हम कंसंट्रेट करेंगे। उसमें पहला पार्ट जो हमारा कंसंट्रेट होगा वो ये होगा कि पावर मेजरमेंट में क्या क्या चीज हमें ध्यान रखना है, पावर मेजरमेंट में क्या क्या चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखो, पावर मेजर करने जा रहे हो तो ये एम, अरे क्या मैं इसको डिलीट कर रुक जा, चलो इसको समझ देना, ये मेजरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। पावर मेजरमेंट में आपको, यदि पावर मेजर करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है। तो एक तो पहला चीज है कि कहीं पे भी सर्किट आपके पास दिया हुआ है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अक्रॉस में यदि वोल्टेज वी मालूम है और इसमें करंट यदि आपके पास में मालूम है, तो जितनी पावर इसमें कंज्यूम होती है ना, जितनी पावर इसमें कंज्यूम होती है, ये पावर जितनी कंज्यूम होती है, ये पावर आपका V इंटू I इंटू कॉस फाई के बराबर होता है। इन जनरल मैंने ये मान लिया है कि यहाँ पे ये क्या है, AC है। यदि DC रहता तो सिर्फ VI से काम चल जाएगा, वहां पे कॉस फाई का बाट नहीं आएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये V जो होता है वो RMS वैल्यू होता है, तो मैं यहाँ पे VR और IR यदि रख दूं तो याद रहे कि RMS वोल्टेज, RMS करेंट और कॉस फाई, ये पावर होता है और इसी को मेजर करना है। और इसको मेजर करने के लिए जो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, इसको मेजर करने के लिए जो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में वाट मीटर। तो वाट मीटर क्या करता है, इस वाले रीडिंग को आराम से बता सकता है कि कितना होगा। अब वाट मीटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि वाट मीटर में एक करंट क्वाइल होता है जहां से करंट पास होती है, और एक प्रेशर क्वाइल होता है जहां से वोल्टेज, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको रीड करता है। तो जब भी कोई सर्किट आपको दिया रहेगा, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूंगा और इंपॉर्टेंट चीज, और फिर क्वेश्चन में चलेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू भी मैं रिमाइंड कराते रहूंगा। ओके, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा कि ओके क्वेश्चन के थ्रू हम सब चीज दिमाग में इतना एटलीस्ट रहना भी चाहिए। और आगे तो ये वॉट मीटर हो गया, और वॉट मीटर में ये करेंट क्वाइल हो गया, ये प्रेशर क्वाइल हो गया, इसके क्रॉस में वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, इसके क्रॉस में, तो ये और ये पूरे दोनों को मिला के हम इसको वॉट मीटर कहना शुरू कर देते हैं, वॉट मीटर कहना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट जो आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी आपके पास में ये वोल्ट मीटर का कोई रीडिंग पूछता है, तो इसको मतलब होता है कि मेरे करंट क्वाइल से कितनी करंट फ्लो हुई है, इसलिए मैं इसको IC कह रहा हूं, करंट क्वाइल से कितनी करंट फ्लो हुई है। और ये प्रेशर क्वाइल में जो यहां पे हमने जोड़ा है, करंट क्वाइल के साथ में जो यहां पे जोड़ा है और एक यहां पे जोड़ा है, इन दोनों के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, इसको मैं VP कह देता हूं, ठीक है। मतलब प्रेशर क्वाइल के अक्रॉस वोल्टेज और करंट क्वाइल के थ्रू करंट, इसको इससे मतलब रहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कभी भी ये जब रीडिंग देगा, ये रीडिंग देगा, तो इस रीडिंग में आपको ध्यान ये रखना है कि इसको प्रेशर क्वाइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चाहिए, उसका RMS वैल्यू चाहिए ऑब्वियसली, और जो करंट क्वाइल के थ्रू करंट फ्लो हो रही है वो चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली उसका RMS वैल्यू चाहिए। और ये जो कॉस लेगा, ये जो कॉस लेगा वो प्रेशर क्वाइल वोल्टेज और करंट क्वाइल के करंट के बीच के एंगल को लेगा, मतलब उसको हमेशा इसी दोनों के बीच का ख्याल रहेगा कि प्रेशर क्वाइल का वोल्टेज और करंट क्वाइल के एक के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उन दोनों के बीच में क्या एंगल है। ये थीटा फाई के बराबर है, इट्स ओके, नहीं है तो ये क्या होगा, एरर होगा, लेकिन रीडिंग ऐसा होगा। तो कभी कभी सिर्फ इस ख्याल से भी क्वेश्चन आता है कि आपको जो वॉट मीटर का ये फंडामेंटल पता है या नहीं है, सिर्फ इस ख्याल से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ये रीडिंग समझ में आना चाहिए कि वॉट मीटर का रीडिंग जो होता है वो ऐसा होता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अब
यदि ये एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू कब आएगा, यदि जो वी प्रेशर क्वाइल है वो एग्जैक्टली जो लोड वोल्टेज है उसी के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यदि लोड वोल्टेज हो गया बहुत ही बढ़िया। यदि जो करंट क्वाइल है वो वही है जो लोड करंट है, तो यदि ये IL हो गया तो बहुत ही बढ़िया। और यदि ये जो एंगल है ये हो जाए फाई पावर फैक्टर एंगल, तो हम कहेंगे कि अभी इस कनेक्शन में, अभी जो भी कनेक्शन है वो कैपेबल है ट्रू पावर, एग्जैक्ट जो यहां पे एग्जैक्टली जो पावर कंज्यूम हो रही है उसको मेजर करने में ये कैपेबल है। सिंपल हम कह देंगे कि कैपेबल है, अदरवाइज एरर हो गया, क्योंकि ये रीडिंग तो किसको देखेगा, प्रेशर कॉइल के और करेंट कॉइल, प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज को और करेंट कॉइल के थ्रू करेंट को। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है ये चीज। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल स्किप करके सीधे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया कि ऑब्वियस ही बात है कि पावर मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो क्या है, वॉट मीटर है। और जो आप वॉट मीटर पढ़ते हो वो किस टाइप का वॉट मीटर होता है, ईडीएम टाइप का वॉट मीटर होता है। ईडीएम में ही ये दो क्वाइल होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वॉट मीटर आपका ईडीएम टाइप का है या ईएमएमसी टाइप का आप कहते हो, तो ईडीएम टाइप के वॉट मीटर को ही आप पढ़ते हो और उसी का कनेक्शन ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी चीजें सिंबल में बहुत सारे चीज है कि जैसे करंट कॉइल है उसमें लेस नंबर ऑफ टर्न है, प्रेशर कॉइल में बहुत ज्यादा टर्न है। दूसरा, इसको मैं थोड़ा सा और थिक बना दूं तो वो चीज भी आ जाएगा कि ये वाला जो पोर्शन होता है वो थिक होता है, वो सब थिन होता है। उन सब का रीजन वगैरह क्लास में आपने देखा है, तो सबको रिवाइज हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर न्यूमेरिकल के साथ साथ वो सब पॉइंट्स आते रहेगा, उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। इतना चीज आपको डेफिनेटली याद रखना है। दूसरा, क्या ये डीसी पावर मेजर कर सकता है? यस, मेजर कर सकता है। डीसी रहेगा तो वहां पे कॉस फाई नहीं होगा, वहां पे वी इंटू आई कर देगा। इक्वली सेम एक्यूरेसी के साथ में ईडीएम डीसी के लिए मेजर कर सकता है। बट हम डीसी मेजरमेंट के लिए, आपको पता ही है कि वोल्ट मीटर एमीटर मेथड यूज करते हैं। वोल्ट मीटर एमीटर लिया, दोनों के रीडिंग को मल्टीप्लाई किया, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो, नहीं, दोनों सेम ही है। ईडीएम को ही हम ईएमएमसी भी कहते हैं, है ना। ईडीएम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, ईएमएमसी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, सेम ही है, ये अलग नहीं है। ओके, ईएमएमसी जो है वो इक्वल ही है ईडीएम का। ईडीएम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल हो गया, ये पीएमएमसी से नाम डिराइव किया गया है। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आपको जानना है, दैट इज कि यहां से जब हम थ्री फेज पावर को मेजर करने जाते हैं, जब हम थ्री फेज पावर को मेजर करने जाते हैं तो टू वॉट मीटर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू वॉट मीटर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां पर भी थ्री फेज पावर हो वहां पे आपको एक तो चीज समझ में आना चाहिए कि जहां पर भी थ्री फेज पावर होगा वहां पे तीन लाइन ऐसे दिया गया है, और सपोज करो कि इसमें ए आर कह दिया गया, ये वाई कह दिया गया और ये बी कह दिया, आर वाई बी यहाँ पे दिया हुआ है। इन जनरल ए बी सी भी दिया जा सकता है, मैंने क्लास में ए बी सी करके आपको बताया, यहाँ आर वाई बी करके बता रहा हूँ। कुछ भी रहे हमें अडॉप्ट करने आना चाहिए, उसका फंडामेंटल पकड़ में आना चाहिए, सिंबल से हमें याद नहीं रहना चाहिए। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि याद करना बस सब चीज को एनी हाउ रट लेना। जैसे यहाँ पे ये सिंबल कुछ भी आ सकता है, ये सिंबल कुछ भी आ सकता है, लेकिन फील को क्या पकड़ के रखना है कि प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज और करंट कॉइल के थ्रू करंट और कॉस ऑफ उन्हीं दोनों के बीच में एंगल, इसको रखेगा। अब ये सिंबल में जिस क्वेश्चन में जो सिंबल दे दे, समझ में है? चलो, हाँ बिल्कुल डीसी पावर मेजर कर सकता है, वही तो मैंने कहा, इक्वली एक्यूरेसी के साथ में डीसी पावर मेजर कर सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब थ्री फेज वाले पोर्शन में क्या होता है, थ्री फेज लोड यदि यहां पे जुड़ा हुआ है तो अब यहां पे टू वॉट मीटर इनफ होता है इसको मेजर करने के लिए। अब टू वॉट मीटर लगाते कैसे हैं, जैसे दो वॉट मीटर में यदि यहां पे हमें लगाना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, एक वॉट मीटर का करेंट क्वाइल यहां पे लगा दिया और दूसरे वॉट मीटर का करेंट क्वाइल यहां पे लगा दिया, और जो इसका प्रेशर क्वाइल है, प्रेशर क्वाइल वो एक कॉमन चूज करके और यहां पे हमने प्रेशर क्वाइल को ऐसे लगा दिया। तो इसीलिए दो वॉट मीटर जो होगा वही एनफ हो जाता है इसके टोटल पावर को मेजर करने के लिए, ठीक है, थ्री फेज में। और ये होता है टू वॉट मीटर मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टू वॉट मीटर मेथड, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब थ्री फेज लोड दिया रहेगा तो आपके पास में यहां पे गिवन रहेगा इसके लाइन वोल्टेज के बारे में, लाइन वोल्टेज के बारे में, जैसे VL होता है इसको लाइन वोल्टेज कहते हैं, R और Y के बीच में जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज हो गया, और लाइन करंट आपको दिया रहेगा, लाइन करंट दिया रहेगा, और दूसरा जो लोड है उसका पावर फैक्टर दिया रहेगा, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इसका दिया रहेगा। तो जब लाइन वोल्टेज
और लाइन करंट और पावर फैक्टर दिया रहे, तो आपको जो ध्यान में रखना है कि पहला वॉट मीटर जो होगा वो कितना रीड करके देगा, जो मैंने कहा था कि वो चीज याद जरूर रखना, VL, IL और कुछ था, कॉस ऑफ 30+5, एक 30+5 देता है, और एक जो दूसरा है वो क्या करता है, VL, IL, कॉस 30-5 ये देता है। यही दो वॉट मीटर का रीडिंग होता है। और यहां से हम बहुत सारे चीजें डिराइव कर सकते हैं कि इसका जस्ट समेशन करोगे तो टोटल पावर हो जाएगा, है ना, वहीं से बहुत सारी चीज। तो यहां पे इसके बाद क्या याद रखना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद रहना ही रहना चाहिए आपको कि कैसे इसमें दो वॉट मीटर का रीडिंग कितना होता है, VL IL cos 30+5 और एक VL IL cos 30-5, वेयर 5 आपको मैं बता दिया हूं कि पावर फैक्टर एंगल है 5, VL IL लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है। इसके बाद जो इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए वो ये ध्यान में रहना चाहिए इसके बाद कि ये कितना, इन दोनों का समेशन क्या होगा। और एक तो पहला चीज इसमें क्या होता है कि यदि आप इन दोनों के रीडिंग को सम कर लोगे, इन दोनों के रीडिंग को सम कर लोगे तो क्या होगा, ये टोटल पावर दे देगा, मतलब सिंपल ये ऐसा दे देगा, √3 VL IL और cos phi के बराबर दे देगा, एंड दिस इज नथिंग बट टोटल एक्टिव पावर ऑफ थ्री फेज सर्किट। थ्री फेज सर्किट में जो टोटल एक्टिव पावर होता है ये दे देता है, ये जस्ट W1 और प्लस W2 कर दोगे तो हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या ध्यान में रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि इसमें से W2 माइनस W1 कर दें, जैसे 30-5 वाले पोर्शन को हम ज्यादा मानेंगे तो W2 माइनस W1 कर दें, तो ये एग्जैक्टली क्या दे देता है, ये देता है VL IL साइन फाई के बराबर दे देता है, साइन फाई के बराबर देता है, जो कि टोटल थ्री फेज पावर के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम यहां पे एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और वो मैथमेटिकल एडजस्टमेंट क्या होता है कि यदि आप यहां पे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस रीडिंग में भी बाहर आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो √3 W2 माइनस W1 और √3 VL IL साइन फाई ऐसा करेंगे, तो ये दूसरा इक्वेशन आपको याद रखना है और यहीं से डिराइव हो जाएगा। आप सीधे देखोगे कि यदि इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, है ना, ये अब क्या हो गया, ये एग्जैक्टली आप इसको लिख सकते हो कि थ्री फेज का रिएक्टिव पावर हो गया, थ्री फेज का ये रिएक्टिव पावर हो गया। तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, या रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर कर दोगे तो वो क्या दे देगा, वो एग्जैक्टली टेन फाई के बराबर दे देगा। तो इसलिए नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है टेन फाई, आप यहां से निकाल सकते हो, और टेन फाई जो होता है वो सीधे आप इसके अनुसार से देखोगे तो टेन फाई में ये वाला पोर्शन को डिवाइड कर दोगे इस वाले पोर्शन से, मतलब क्यू बाई पी के बराबर है, है ना, इधर से लिखेंगे तो ये क्यू बाई पी के बराबर हो गया। और यदि हम उसके वॉट मीटर रीडिंग को देखें तो √3 W2 माइनस W1 अपॉन √3 VL IL ऐसे आ गया, W1 प्लस W2 आ गया, मतलब इसी को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, √3 टाइम्स ऑफ W2 माइनस W1 और अपॉन W2 प्लस W1। तो ये चीज हमें क्या चीज दे देगा, यहां पे एक तरह से पावर फैक्टर का इंफॉर्मेशन दे देगा। तो दिस इज योर थर्ड पार्ट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो देखो अब यहां पे, हाँ, लोड पावर फैक्टर, अब यहां पे आपको तीन चीजें याद रखना है, मतलब एक तो पहला चीज ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए कि पहला वॉट मीटर रीडिंग और दूसरा वॉट मीटर रीडिंग कितना देगा, और उसके बाद जो दोनों का समेशन और दोनों का डिफरेंस में √3 मल्टीप्लाई करके वो कितना देता है, और वहां से पावर फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। तो तीन चीज हम आराम से रीडिंग से निकाल सकते हैं। तो ये रिवर्स में क्वेश्चन आने का संभावना ज्यादा रहता है कि रीडिंग दिया गया है आपको और आपको पी निकालना है और क्यू निकालना है और पावर फैक्टर निकालना है, एक ये चीज दिया रहेगा। दूसरा एक ऑब्जर्वेशनल पार्ट होता है, वो अब यहां पे मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि जब भी पावर फैक्टर 0.5 से कम होता है तो एक वॉट मीटर नेगेटिव रीडिंग देना शुरू कर देता है ना। और उसके रीडिंग को लेने के लिए कैसे, हमें या तो करंट कॉइल के या तो प्रेशर कॉइल के टर्मिनल को हमें चेंज करना पड़ता है, उस रीडिंग को लेना पड़ता है और सेम उस रीडिंग को माइनस में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर यदि 0.5 से छोटा है तो एक वॉट मीटर नेगेटिव रीडिंग देना शुरू कर देगा, और एक्सपेरिमेंटली उस रीडिंग को हम कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ओके। चलो सो नेक्स्ट में, तो अब ये चीज को बस नोट करके आप यहां पे ऐसे रख लोगे कि इफ यदि लोड पावर फैक्टर लेस देन 0.5 हो जाए तो क्या होता है, वन वॉट मीटर जो होगा, वन वॉट मीटर
विल शो नेगेटिव रीडिंग, ठीक है, एक उसमें नेगेटिव रीडिंग शो करेगा, और दूसरा बाकी चीज एग्जैक्टली 0.5 पे एक इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली यदि पावर फैक्टर आपके पास में 0.5 है तो आपको क्या दिखेगा कि W1 ने जितना दिया है, लेट्स से कि A रीडिंग दे दिया आपको, तो W2 जो होगा वो कितना देगा, जस्ट माइनस A के बराबर दे देगा। तो क्या होगा, दोनों मिलके, सॉरी सॉरी उतना नहीं होगा, दोनों डिफरेंट वैल्यू होता है, वो नहीं होता, ये कब होता है, ये एक पॉजिटिव और एक एग्जैक्टली नेगेटिव कब देता है, जब ये पावर फैक्टर क्या रहे, बोलो, जीरो रहे, 0.5 नहीं, जीरो रहे, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू 0.5 के लिए होता है। ओके, तो ये नेगेटिव और इक्वल ऐसा हो जाएगा, और जब पावर फैक्टर 1 होता है तो उस समय क्या देता है, पावर फैक्टर 1 के समय में, ये सब याद कराया था मैंने आपको, एक W1 यदि A दे रहा है तो W2 भी A दे देगा, मतलब सेम अमाउंट में दे देगा, दोनों इक्वल रीडिंग दिखाता है इक्वल साइन के साथ में, बस इतना आपको ध्यान में रखना है और हम बाकी काम कर सकते हैं। इसके बाद एक एनर्जी मीटर होता है, तो एनर्जी मीटर में आपको क्या ध्यान में रखना है, एनर्जी मीटर बेसिकली हमने पूरा ही एक अच्छे खासे मॉडिफिकेशन से बनाया था कि जब हमारे पास में कोई एक अरेंजमेंट है और कोई इसके एनर्जी के बारे में जानना चाहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि मुझे इस लोड में एनर्जी को मालूम करना है, लेट्स से ये लोड वोल्टेज है और लोड करंट है, और यदि मुझे एनर्जी का मालूम करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, तो मुझे ये भी चाहिए कि ये VL IL के साथ साथ में कि ये कितना देर तक में चाहिए, एनर्जी यदि कंज्यूम किया है तो मुझे टाइम जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी जब भी हम निकालेंगे तो वो एनर्जी हमारे पास में VL IL cos φ तो होगा ही, ये पावर हो गया, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या चीज से, टाइम से, तो एनर्जी हो जाता है, तो मुझे टाइम भी मालूम होना चाहिए। अब इसको मेजर करने के लिए, गुड आफ्टरनून बच्चे, तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में एक एनर्जी मीटर है, तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में एक एनर्जी मीटर है, और ये जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर ये कैसे काम करता है, तो अब उसके पीछे बहुत सारा है कि आपने देखा था कि एक हमारे पास में शंट मैग्नेट होता है, एक सीरीज मैग्नेट होता है, बीच में एल्युमिनियम होता है, तो एल्युमिनियम रोटेट करते रहता है, ये सब बहुत सारे चीज़ हमारे पास में यहाँ पे हमने देखा था, उसको पूरे डिटेलिंग में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं रिमाइंड कह के आपको करा रहा हूँ, और क्वेश्चन में जितना ज़रूरत होगा उसके अनुसार से हम क्वेश्चन के थ्रू भी रिमाइंड करते रहेंगे। ओके, सो एनर्जी मीटर में एक चीज क्या होता है, यहां पे क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनर्जी मीटर जो होता है उसमें नंबर ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली मेन रिप्रेजेंटेटर होता है। एनर्जी मीटर में जो यहाँ पे ड्राइव ट्रेन बना रहता है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोटेशन शो करता है यहाँ पे, वो प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का। तो यहाँ पे एनर्जी मीटर में एक चीज ध्यान आपको क्या रखना है कि जो एनर्जी होगा वो इक्वल, वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ रोटेशन के, किसका रोटेशन, एल्युमिनियम डिस्क का, ठीक है, एनर्जी मीटर में जो एल्युमिनियम डिस्क लगा रहता है उसका। तो इसीलिए एक चीज हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि जो भी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम किया है वो के टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रोटेशन के बराबर रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन के बराबर रहेगा, और यहाँ पे हम इसी चीज को मीटर कांस्टेंट कहना शुरू कर देते हैं। इसी को क्या कहना शुरू कर देते हैं, मीटर कांस्टेंट कहना शुरू कर देते हैं, जो एनर्जी मीटर का कांस्टेंट है वो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज हम मेजर करने जा रहे हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा तो किस टर्म्स में मेजर करेगा। अभी तक पावर इंडिकेटर था, सीधे इंडिकेट करता 10 वॉट पावर, 10 वोल्ट वोल्टेज करेंट, सीधे वो इंडिकेट करता था। एनर्जी मीटर आपको पूरा एक नंबर के फॉर्मेट में रहेगा कि इतना इतना एनर्जी, जूल एनर्जी खत्म हो गया। हालांकि हम एनर्जी कैसे, किस में मेजर करते हैं, किलो वॉट आवर में मेजर करते हैं, तो किलो वॉट आवर को हम कहते हैं वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के टर्म्स में वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और इसी के टर्म्स में ये मेजर करके देगा, ठीक है। तो हमें इतना चीज सिर्फ ध्यान रहेगा तो हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और बाकी एनर्जी मीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है और वो सब सारे चीज तो आपको जानना ही है, कि जैसे हमारे पास में बीच में एक लिंब होता है, ऐसे करके ये बनाया जाता है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे एक वाइंडिंग रहता है, एक नीचे बाइंडिंग रहता है जिसको सीरीज वाला हम ऐसे कहते हैं, बेसिक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एल्युमिनियम डिस्क होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें प्रेशर कॉइल रहता है और यहाँ से करंट कॉइल होता है, यहाँ से जो जाती है ये ऐसे करके ये करंट कॉइल होती है, तो यहाँ से करंट को मेजर करने की कोशिश करता है, यहाँ से वोल्टेज को मेजर करने की कोशिश करता है, और जो यहाँ पे इसका जो रोटेशन होता है, नंबर ऑफ रोटेशन एल्युमिनियम डिस्क का, वो प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, इनर्जी के, इनर्जी कंजम्पशन के। बस इतना ध्यान में रखोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं और वहां पे हम बाकी चीजें रिमाइंड आपको कराते रहेंगे। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इनर्जी मीटर का आ गया, आपको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बताऊंगा, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वो एक तरह से आपके लिए पूरा रिवीजन करा देगा इनर्जी मीटर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो, जस्ट ट्राई फॉर वंस, इसको ट्राई करिए और फिर मैं आपको बताता हूं। एक बार ट्राई करिए और फिर मैं बताऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वाटर आज लेके नहीं आया बच्चे, वाटर अब मंगाना पड़ेगा, खत्म ही कर लेते हैं अपने लाइफ को, खत्म करेंगे इस लाइव सेशन को, उसके बाद देखेंगे। मैं रखना भूल गया आज, वो सारा टेक्निकल सेटिंग मुझे ही करना था ना, वो सेटिंग के चक्कर में रह गए। कोई आंसर देगा? इसको 15 मैंने कर दिया, चलो ठीक है। चलो अब मेरी बातों को एक एक करके सब सुनना और समझना, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, कैसे दिया, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। डिटेल में एक्सप्लेन के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए एनर्जी मीटर पे, और इस तरह के क्वेश्चन या इसी का छोटा छोटा पार्ट कई बार क्वेश्चन आते रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखो क्या दिया, अ 230 वोल्ट सिंगल फेज डोमेस्टिक एनर्जी मीटर हैज कांस्टेंट लोड ऑफ 4 एम्पियर पासिंग थ्रू इट फॉर 6 आवर एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो सबसे पहले आप एक जस्ट एक सिंबॉलिकल यहां पे बना लो कि एक हमारे पास में एनर्जी मीटर है, इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें जो वोल्टेज है, इसमें जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो 230 वोल्ट दे रहे हैं, चलो ठीक है 230 वोल्ट हमने दे दिया। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, चलो उसको भी हमने मान लिया कि इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो 4 एम्पियर फ्लो हो रही है। ये 6 आवर तक के लिए, मतलब जो टाइम भी इसने दे दिया है कि मैं इसमें 6 आवर तक के लिए यही कंडीशन रखा हूं कि 230 वोल्ट हमने यहां पे प्रोवाइड कर रखा है और 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ओके, और इसका यूनिटी पावर फैक्टर है, और यह भी दे दिया कि यहां पे जो पावर फैक्टर है वो आपके पास में क्या है, यूनिटी है, मतलब 1 है। ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका V, ये हो गया पावर फैक्टर और ये हो गया टाइम, ठीक है, और ये हमारा एनर्जी मीटर है जो इसको मेजर कर रहा है। तो डेफिनेटली, और फिर इसमें क्या बताया, देखा कि द मीटर डिस्क मेक्स 2208 रिवोल्यूशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो ये 6 आवर तक के लिए कंडीशन हमने देखा है, इस मीटर में देखा गया कि जो एल्युमिनियम डिस्क था और वो जो रोटेट होता है एल्युमिनियम डिस्क, इस रोटेशन का जो नंबर ऑफ रोटेशन है ये एन से रिप्रेजेंट मैं कर देता हूं, ये है 2208, इतने इसने रिवोल्यूशन किया है, इतने रिवोल्यूशन इसने किया, इतने बार ये रोटेट हो गया है। चलो
तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? यदि मैं इसको इसको लिखने की कोशिश करूं इक्वेशन में, तो सबसे पहले मुझे बताओ, यदि मैं यहां से आपसे कहता हूं कि इनर्जी बताओ, ठीक है, इनर्जी कितना है, तो हमें पता है कि इनर्जी जो होगा, इनर्जी जो हमारे पास में होगा वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें वोल्टेज चाहिए 230, तो 230 इंटू करेंट चाहिए 4 एम्पियर, इंटू पावर फैक्टर चाहिए 1 और इनटू टाइम चाहिए 6। यहाँ पे ये आवर में है और ये सब वॉट में है, तो एग्जैक्टली ये वॉट आवर आया, वॉट आवर आया। मुझे किलो वॉट आवर चाहिए, तो मैंने जान के इसमें 1000 से अलग से डिवाइड कर दिया और इस 1000 की वजह से यहाँ पे किलो वॉट आवर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि वॉट जैसे वोल्टेज करेंट वोल्ट में है, करेंट एम्पियर में है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वॉट में सिंपल दे देगा। मुझे चाहिए किलो वॉट, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे किलो वॉट आवर लिख सकते हैं। ये हो गया इनर्जी। और क्या कहा कि इस इनर्जी को मेजरमेंट के दरमियान जब ये मेजर किया तो 2208 रिवोल्यूशन हुआ है, और हमें पता है कि दिस इनर्जी मस्ट बी इक्वल टू मीटर कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब 2208। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। हम कह सकते हैं ना कि जो इंफॉर्मेशन यहां पे दिया है उसके अनुसार से ये जो किलो वाट आवर में जो इनर्जी आया है उसको के टाइम्स ऑफ 2208 लिख सकते हैं, ठीक है, एक पार्ट आ गया। अब नेक्स्ट पोर्शन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा, व्हाट विल बी द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड इफ द मीटर डिस्क कंप्लीटेड 1240 रिवोल्यूशन। इसने अब उल्टा कह दिया कि मुझे नहीं पता कि इधर लोड, जब ये लोड से कनेक्टेड है तो इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी करंट आ रही है, क्या है, मुझे नहीं पता। बट मुझे जो पता है वो ये पता है कि इसने जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इस वाले पार्ट में जितना भी है एन डैश से लिख रहा हूं, नया वाला पार्ट, ठीक है, ये जो किया है ये 1240 रिवोल्यूशन किया है। तो पूछा कि इसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, लेट से मैं इस एनर्जी कंजम्पशन को ई डैश कह देता हूं। तो एक तो हमें पता है कि चलो वोल्टेज करंट पावर फैक्टर लोड ये सब नहीं पता है जो सेकेंड केस है उसमें, लेकिन एनर्जी मीटर में यही लगा रहा हूं, ये एनर्जी मीटर वही है जो यहां लगा रहा हूं, तो के टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बराबर तो होगा ही। चलो यहां से वोल्टेज करंट ये सब नहीं मालूम है, लेकिन इतना रिवॉल्व किया है वो तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, और मीटर सेम है तो के सेम होगा जो पहले केस का है, ये के वही हो गया जो यहां पे है, और एन डैश आपको ये दे रखा है, तो बस इस के को कहां से पुट करोगे, यहां से, और यहां पे एन डैश कितना हो गया 1240, तो क्या मिल जाएगा आपको, एनर्जी मिल जाएगा नेक्स्ट केस में। और यही तो प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली यही तो होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, आप जब मीटर कोई रीड करने आता है तो उसको ये थोड़ी पता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट, क्या कैसे, वो तो सिर्फ रीडिंग को देखता है, अच्छा इतने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गया था, ओके इतना एनर्जी आपने कंज्यूम किया इस महीने में, और उसका बिल आपको क्लिक करके दे के चला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को यदि समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और ऐसे यदि बिना समझे कोई चीज करोगे तो आपको लगेगा कि कहां से पूछ दिया, कैसे मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच बहुत जरूरी होता है। ओके सो अब यहां पे K के वैल्यू को रखो, K के वैल्यू को क्या रख सकते हो, यहां पे जस्ट डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 230 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 6 बाई 1000 और इंटू ये 2208, ये K हो गया, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1240 से, तो ये आएगा किलो वाट आवर में, क्योंकि हमने किलो वाट आवर में ही ये चीज किया है। बस यही आपके पास आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सब चीज पूरा हो जाएगा। करो सॉल्व, कितना आता है, अब देखो सॉल्व करने में भी थोड़ा सा फास्ट होना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जैसे अब कम से कम कुछ छोटे 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 कैलकुलेशन तो कर सकते हो, 2 से तो स्टार्ट कर ही सकते हो, है ना, तो 2 से स्टार्ट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आता है। और कुछ बच्चों ने आंसर बता रखा है 3.1, तो मे बी 3.1 हो। तो 3.1 ही आएगा, तो मुझे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 3.1 इसका आंसर हो जाएगा। और यदि आप चाहते हो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, उसमें क्या है, तो कैलकुलेट करने की कोशिश करो, क्या चीज से करोगे, कोई सिंपल उसे 2 से स्टार्ट करने की कोशिश करो तो हो जाएगा।
डी, चलो ठीक है, हाँ मतलब फोर्थ आंसर है आपके पास में, ठीक है। तो आपको इसका थीम समझ में आया, क्वेश्चन क्या था और इसमें इसके थ्रू हमें क्या क्या चीज समझना था। ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम बनाते हैं, ये 15 के बाद में ये हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 16 को क्वेश्चन को पढ़ो और हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन भी ना करना पड़े और आपका आंसर मिल जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। 2.8 किलोवाट आवर आया, ये कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जो भी कैलकुलेशन आएगा यही आंसर होगा, बस ये कैलकुलेट आपको सही से करना है। 3.1 ज्यादातर बच्चों ने का आया है और हो सकता है कि 2.8 आ जाए, या मैं कैलकुलेट करके बताऊं, बोलो जल्दी जल्दी। चलो मैं ही कैलकुलेट करता हूँ, इस जीरो से इसको हमने घटा दिया, इसको चार से किया और इसको भी चार से कर सकते हैं, 5.52 हो जाएगा। फिर एक जीरो को यहाँ से भी हटा देते हैं, ऐसे भी हटा देते हैं, ठीक है। फिर हम फोर से करने की कोशिश करते हैं, तो फोर और फोर से होगा, चलो दो से कम कर लेते हैं, इतना हो गया, फिर भी दो से कैंसिल हो जाएगा, वन थर्टी एट स्टिल पॉसिबिलिटी है इसमें, सिक्स से 3.5, हाँ तो मतलब 3.1 के आसपास ही आएगा, फिर वही आंसर रहेगा, ठीक है, फोर्थ ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब 16 में हम आते हैं, 16 के उसको सॉल्व करते हैं। 16 में क्या दिया गया, इन अ थ्री फेज सिस्टम टू वॉट मीटर मेथड इज यूज टू मेजर द पावर इफ वन ऑफ द वॉट मीटर शोज अ नेगेटिव रीडिंग एंड द अदर शोज अ पॉजिटिव रीडिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रीडिंग आर नॉट द सेम, देन वॉट विल बी द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, लोड का पावर फैक्टर कितना होगा। तो ये तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, थ्री फेज में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कब शो करता है, जब 0.5 से नीचे पावर फैक्टर रहता है, ठीक है। और जी यहाँ तक तो जीरो तक भी हम कह सकते हैं, तो ये फर्स्ट आपका आंसर हो गया। तो ये तो डायरेक्टली अब जो मैंने बताया वो उसी पे है, और वो टेबल याद रखोगे तो बहुत मजा आएगा। चलो 16 के बाद हम इस 17 पे पहुँचते हैं, 17 को बताओ। द टू वॉट मीटर ए एंड बी गिव्स रीडिंग एज, एक देता है 500 वॉट का और दूसरा देता है 1000 वॉट का रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द पावर मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। कैलकुलेट द टोटल पावर, क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो 500 अब प्लस 1000 कितना हो गया, 1500 वॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि रीडिंग का समेशन क्या होता है, टोटल एक्टिव पावर होता है। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 था। 18 पे आते हैं, 18 में क्या है, 230 वोल्ट सिंगल फेज डोमेस्टिक एनर्जी मीटर हैज अ कांस्टेंट लोड ऑफ 4 एम्पियर पासिंग थ्रू इट फॉर 6 आवर एट यूनिटी पावर फैक्टर द मीटर डिस्क रोटेट। ये तो सेम क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो ये तो आपको पता ही है, अभी जो आपने कैलकुलेट किया रिपीट हो गया है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं 18 नहीं मानता हूँ, इसको 18 मानूंगा, ठीक है। चलो, टू होल्स आर ड्रिल्ड इन द डिस्क ऑन द डायमीटर ऑफ एनर्जी मीटर 2। ये आपको थ्योरी में हमने बताया था कि किस लिए हम ये करते हैं, है ना, हाँ सेम क्वेश्चन हो गया, तो 18 मैं इसको मान रहा हूँ, किस लिए इसे करते हैं। तो जो क्रीपिंग का प्रॉब्लम है, नो लोड पे रोटेट होता ही रहता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम एल्युमिनियम डिस्क के दो डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पार्ट पे होल्ड कर देते थे, ठीक है। ये थ्योरेटिकली और आपके पास में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। 19, क्रीपिंग इन अ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मे बी ड्यू टू, क्रीपिंग किस लिए होता है, तो ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन, यस ये रीजन हो सकता है, ओवर वोल्टेज भी हो सकता है, वाइब्रेशन भी हो सकता है, ये सारा चीज लिखाया था, मतलब ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्रीपिंग का मैंने आपको ये सारा चीज लिखा दिया था, तो क्रीपिंग में यही होता है, सारे प्रॉब्लम इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। तो 19 में आपके पास में सीधे क्या हो गया, फोर्थ, हाँ। नेक्स्ट में 20 में थ्री वॉट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट कैन बी यूज टू मेजर पावर इन,
वॉट मीटर है तो कुछ भी रहे, बोथ बैलेंस और अनबैलेंस सर्किट रहे, किसी में भी मेजर किया जा सकता है। जब 3 वॉट मीटर है और 3 फेज का है तो 3 हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस अनबैलेंस किसी में भी मेजर कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट में, इफ डायनोमीटर टाइप वॉट मीटर इज कनेक्टेड इन एन एसी सर्किट द पावर इंडिकेटेड बाय द वॉट मीटर विल बी। तो डायनोमीटर मतलब वही ईडीएम टाइप का है, ये वॉट मीटर जो है वो किस पावर को इंडिकेट करता है, किस पावर को इंडिकेट करता है, तो वो एवरेज पावर को इंडिकेट करता है, और एवरेज पावर ही एसी में, एसी का जो एवरेज पावर होता है इसी को हम वीआरएमएस इनटू आईआरएमएस इनटू कॉस फाई कहते हैं, तो इसी को तो इंडिकेट करता है, तो एवरेज पावर हो गया। ओके ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ठीक अच्छा 20 तक में मुझे पूछना था, 20 तक में कितना कितना सही हुआ सबका, 20 तक में कितना सही हुआ, फिर 21 में चलेंगे। ट्वेंटी तक में आप एक बार बता दीजिए, फिर 21 तो से फिर वो हो गया। 20 में कितने क्वेश्चन सही किए किस किसने, ये सेल्फ असेसमेंट हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है, वो एक्टिव बना के आपको रखेगा, अदरवाइज आप पैसिव हो जाओगे। नहीं 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 इसको हम आरएमएस नहीं कहते। ओके आप ये चीज समझ जाओ बच्चे, जो आरएमएस आप यहां पे कहते हो आरएमएस पावर उसे नहीं कहते, इसको एवरेज पावर ही कहते हैं। एवरेज पावर के लिए आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट और कॉस फाई चाहिए होता है, ये एवरेज पावर ही होता है। ओके देखो इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है, पीटी जो होता है वो आपके पास में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट होता है, और जब इसको लिखते हो जैसे ये सपोज करो कि वीएम साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और ये सपोज करो कि आईएम और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई है, ओमेगा टी माइनस फाई है, तो जब आप इसको इस पीटी को एवरेज करते हो है ना, जब आप इसका एवरेज निकालते हो तो ये हो जाता है पी, और यहाँ पे जब इसको एवरेज करते हो तो यही चीज बन जाता है वीएम बाई रूट टू इंटू आईएम बाई रूट टू इंटू कॉस ऑफ फाई, ये चीज बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज पावर कहते हैं। ठीक है ये दिमाग में रखना। 20/17 कुछ बच्चों का अच्छा है कि उसने 17/17 है, 18 है, 90% भी सही किया है। ठीक है 20 क्वेश्चन रिमेन कराइए सर, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज से कराइए, नहीं 20 नंबर क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कोई सर्किट है, ठीक है, और 3 वॉट मीटर मेथड, 3 वॉट मीटर हमारे पास में है, तो 3 वॉट मीटर है मतलब कि हमारे पास न्यूट्रल भी ऐसे हो सकता है, तो यहाँ पे जब हम वॉट ऐसे लगाते हैं, इसको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंप्लीशन चाहिए, इसका यहाँ पे रहेगा दूसरे वाले पार्ट का, ये यहाँ पे रहेगा तीसरे वाले पार्ट का, यहाँ पे रहेगा, तो क्या होगा, ये 3 वॉट मीटर यदि है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बैलेंस है अनबैलेंस है कुछ भी है हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है इसको लिखना चाहिए था कि 3 फेज सर्किट, इसमें इस क्वेश्चन में जहां से मैंने ऐसे लिया है इस क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई नहीं था कि 3 फेज सर्किट है, 3 फेज सर्किट में 3 वॉट मीटर किसी भी कंडीशन में वो मेजर कर सकता है। चलो ये 21 हो गया। 22 क्रीपिंग इज अ टर्म रिलेटेड टू, किस इंस्ट्रूमेंट में क्रीपिंग यूज करते हैं, डायनोमीटर टाइप, पीएमएमसी, इंडक्शन टाइप, मूविंग आयरन। ऑब्वियस सी बात है इंडक्शन टाइप का जो एनर्जी मीटर होता है हम उसी में क्रीपिंग यूज करते हैं। ठीक है चलो इसमें 22 के बाद में 23 इन द 2 वॉट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ बैलेंस्ड लोड इफ द रीडिंग ऑफ 1 मीटर इज -200 वॉट देन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज वॉट। तो आपको पता ही है यदि एक ने नेगेटिव दे दिया मतलब हमेशा उसमें पावर फैक्टर 0.5 से कम ही रहेगा, तो 23 में ये हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में इस 24 को बनाओ, 24 में क्या है इसको, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले उसको देखने की कोशिश करो कि ये क्या कह रहा है। डायनोमीटर सर वीडियो रुक के आता है, मम्मा नहीं हाँ वीडियो रुक के आ रहा है क्योंकि मैंने बता दिया आपको
थोड़ा सा ये है, लेकिन मेरे ख्याल से साउंड क्लियर आ रही है। चलो इसको बनाओ, 24 को बनाओ। यहाँ पे है जेड वन एंड जेड टू आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ लोड। जेड वन और जेड टू दो पार्ट है और उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है ऐसे, ठीक है। ये जेड वन हो गया और ये जेड टू हो गया, ठीक है। सीरीज टू फॉर्म अ लोड, एक लोड को ऐसे बना दिया गया। क्या कहा गया? द वॉट मीटर करेंट क्वाइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, ठीक है। करेंट क्वाइल को हमने ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, चलो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। वेयर एज इट्स प्रेशर क्वाइल इज कनेक्टेड अक्रॉस जेड टू, लेकिन प्रेशर क्वाइल जो इस पोर्सन का जो प्रेशर क्वाइल है वो प्रेशर क्वाइल इस जेड टू के अक्रॉस में कनेक्टेड है। प्रेशर क्वाइल यहाँ पे कनेक्टेड है, करेंट क्वाइल यहाँ पे कनेक्टेड है। द वॉट मीटर रीड क्या करेगा? तो अब देखो ये जो है इसके थ्रू जो करेंट फ्लो होगी आई, वही जेड वन के थ्रू भी होगी, वो भी जेड टू के थ्रू भी होगी। तो मतलब यही इसी आई को ये करेंट क्या करेगा, मेजर करेगा। लेकिन वोल्टेज जो है जो इसके क्रॉस वी टू होगा उसको देखेगा, और फिर इन दोनों के बीच में एंगल मतलब कॉस फाई इसको देखेगा। तो ये जो हो गया किसका पावर हो गया, वो सेकेंड का पावर हो गया। मतलब ये जो रीडिंग होगा ये पावर कंज्यूम बाई जेड टू को सिर्फ बताएगा। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि वॉट मीटर में रीडिंग के समय में ये आपको समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ का क्या करता है। तो ये जो आई है वो संजोग से आई टू के बराबर भी है ना। यहाँ पे यदि मैं आई टू कहता हूँ तो वो आई के बराबर ही है। तो करंट क्वाइल ने जो करंट मेजर किया है वो आई टू मेजर किया है, वोल्टेज मेजर किया है वो वी टू मेजर किया है, और इन्हीं दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमें कॉस फाई का देना है। तो ऑब्वियस सी बात है जेड टू का वो पावर हो गया, इसलिए पावर कंजम्पशन बाई सेकेंड हो गया, ठीक है। चलो 25th में आ जाते हैं। इन द टू वॉट मीटर मेथड द रीडिंग ऑफ द टू वॉट मीटर आर 500 एंड 500 वॉट रेस्पेक्टिवली, दोनों 500 वॉट ही है। द लोड पावर फैक्टर इन अ बैलेंस थ्री फेज थ्री सर्किट, उसमें क्या होगा, लोड पावर फैक्टर कितना होगा ये बताना है। और दोनों 500 वॉट ही दिया हुआ है, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू, वो 500 वॉट दे दिया है। तो आपको पता ही है कि इसका मतलब 1000 वॉट इसका टोटल क्या हो गया, पावर हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री और वी एल आई एल कॉस फाई। और दूसरा चीज़, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि इक्वल रीडिंग कब आता है। इक्वल रीडिंग मैंने आपको बताया है कब आता है, इक्वल और सेम साइन का रीडिंग कब आता है, जब यूनिटी पावर फैक्टर रहता है ना। यूनिटी पावर फैक्टर के समय में आपको इक्वल रीडिंग आया था, याद होगा, ठीक है। और जब जीरो पावर फैक्टर रहता है तो इक्वल एंड अपोजिट आता है, ठीक है। तो सीधे थर्ड आपके पास में यहां पे आंसर हो जाएगा, ओके। सो अभी हम आज की क्लास में 25th तक ही रखते हैं। अब आप लोग बता सकते हो 25th में आप लोगों ने कितना सही किया है परसेंटेज के फॉर्मेट में, आप लोग ये बता दो। और कल 11 बजे से फिर हम क्लास रखेंगे, उसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, एकदम स्मूथ चले, ओके। तो मैं अभी थोड़ा सा उसको रिपेयर कर लूँगा, कल 11 बजे से और रखेंगे। और कल की सेशन थोड़ा सा और लंबी होगी क्योंकि कल 4 और 5th दोनों को कंप्लीट करके पूरा ही कंप्लीट कर देना है मेजरमेंट को, ओके। तो जो बच्चे यहाँ तक पढ़े हों, जैसे कुछ एडिशनल टॉपिक भी हो जाएगा, ओके। तो इसमें चूंकि पुराने बच्चे भी हैं नए बच्चे भी हैं इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। वीडियो एंड ऑडियो मिसमैच जो हो गया है वो कल ठीक हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ आज रिपेयर करने का, ओके। आप मुझे बताओगे 25th में कितना परसेंटेज में, थोड़ा बताना कैलकुलेट करके सब अपना अपना, तो थोड़ा सा मुझे भी आइडिया अच्छा लगेगा। या जिसने 25 अटेम्प्ट नहीं किया है तो जितना मैं अटेम्प्ट किया है और जितना सही किया है मुझे वो परसेंटेज थोड़ा सा चाहिए। एम जे श्री 92%, ओके। बाकी लोग भी बताओ परसेंटेज में बताओ तो ज़्यादा मजा आएगा। 80, 90, 85%, 84, 96, वेरी गुड, 88। जुगल में रिलक्टेंस वगैरह आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। रिलक्टेंस क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस होता है और वो करंट को अपोज करता है, उसी तरह से रिलक्टेंस जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में होता है और वो फ्लक्स को अपोज करता है, ओके। 68% भी है, 70% भी है, 82% भी है, 92% भी है, ठीक है, बढ़िया है। आप ऐसे ही बढ़ते बढ़ते रहोगे तो बहुत बढ़िया मज़ेदार बन जाओगे। और
मैं इसमें और भी लाते रहूंगा, अभी बहुत सारे चीज़ आपका जब तक कंप्लीट, आपके कंपटीशन तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको एक काम करना है कि इस महीने तक मैं 1000 सब्सक्राइबर को बनाना है, और बाकी मैं बाकी सब्जेक्ट भी उसको थॉरली पढ़ा दूंगा। थॉरली पढ़ाने का मतलब उसमें वो भी होगा, क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा और क्वेश्चन भी होगा। चलो आज वीडियो लैगिंग थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, अगले क्लास में मिलता हूँ। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको अच्छा करते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं बाद में, क्योंकि ये एरर को थोड़ा संभालना पड़ेगा। मैं देखता हूँ मेरा कंप्यूटर की दिक्कत है या नेटवर्क की दिक्कत है या क्या है, मैं थोड़ा उसको संभालूंगा। सबको मज़ा आया, आई होप कि आप सभी जो है वो अच्छे से इसको देखे होंगे और मज़ा आया होगा। हम अब अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके। बट क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए सर। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट मींस, पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सके, उसको पोर्टेबल कहते हैं। जगह बदलने, ओके ओके ठीक है, कोशिश करेंगे। आज मैं देखता हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं करूँगा। रिलक्टेंस, जुगल मैंने बताया ना, रिलक्टेंस मतलब जो फ्लक्स को अपोज करे मैग्नेटिक सर्किट में उसे रिलक्टेंस कहते हैं, जो करंट को अपोज करता है उसे रेसिस्टेंस कहते हैं। ओके थैंक यू जुगल, थैंक यू। हाँ, मैं प्रैक्टिस आपको, मेरा मेन मकसद ही यहाँ पे है कि आपका प्रैक्टिस बहुत पिक लेवल पे हो जाए और आप थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकली जो है ना, वो साइकोलॉजिकली आपका वो हो जाए। अरे मशीन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा पढ़ा दूँ फ्री में, सबको थोड़ा समझ में आए, और कि मशीन को एक क्वालिटीफुल तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। तो लेकिन आपको अपना ये काम करना पड़ेगा, 1000 सब्सक्राइबर और इस मार्च के एंड में लाना पड़ेगा, आप सबको मिलके करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं प्रॉमिस करूँगा, तो मैं एफर्ट्स लगाऊंगा ना बढ़िया सा, एकदम मस्त एनिमेशन वगैरह सब चीज़ को इंक्लूड करते हुए उसको फिर चलाएंगे, है ना। ओके बच्चों, तो कल कल हम मिलते हैं, कल वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसी का नेक्स्ट पोर्शन जो 4-5 है वो हो जाएगा, वो थोड़ा सा आगे का भी हो जाएगा, जितना कोर्स आपका खत्म हुआ है उसके आगे का भी हो जाएगा। मैं कहा तो मैं मशीन पढ़ा दूंगा यहीं पे यूट्यूब पे, बट 1000 करना है आप लोगों को। देखो नंबर में, चलो मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग कॉल मत करना, ये 999-7348532 ये नंबर है, आप लोग बस मैसेज करना, कॉल नहीं करना। कॉल करोगे, मैं किसी का उठाता नहीं हूँ, यही नंबर है, आपको जो करना है आप देखो। मशीन मैंने कहा कि यहाँ पे पूरा के पूरा पढ़ाऊंगा, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ रिवीजन वाला पार्ट, रिवीजन तो चलेगा ही, ये वाला पोर्शन जो होगा वो मैं बताऊंगा। क्या कहते हैं, पूरा एकदम एकदम शुरू से, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक, और सारे क्वेश्चन सब चीज, ठीक है। मजीन ठीक है, ओके बच्चों, तो अब कुछ एनीथिंग एल्स और कुछ जानना है तो बताओ, अदरवाइज हम रखते हैं और मिलते हैं कल आप लोगों से। कल भी एक 11 o'clock में वो करूंगा, और आईपी का पता नहीं बच्चे, आईपी, लेकिन एक चीज देखो, आईपी यूपी क्यों पूछ रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा रॉन्ग वे से नहीं होना चाहिए, सही वे से होना चाहिए, ठीक है, वो ऑर्गेनिक होता है तो बढ़िया होता है, ठीक ना बच्चों। आईपी का कहाँ से देखते हैं, आईपी को कहाँ से देखते हैं, मुझे नहीं पता। थैंक यू। मैंने आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है ना वो पढ़ाया है, पहले लाइव को देख लेना, उस लाइव में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू, स्टाइल बढ़िया है मेरा। थैंक्स, ओके वेलकम बच्चों, तो वो चीज़ आप देख लेना वहाँ पे है, ठीक है। चलो आप लोग अपना काम करो खूब, मतलब पढ़ाई पे प्रायोरिटी देना है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि 1000 पूरा करना है तो उधर उसको प्रायोरिटी लेना है, प्रायोरिटी आपको पढ़ाई का लेना है, बट सेकेंडरी प्रायोरिटी ले लेना है कि चलो इस फैमिली को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो
तो क्या हो जाएगा, फिर मजा आता है। जैसे ज्यादा लोग जुड़े रहते हो ना, तो ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, ज्यादा सब चीज होगा, वो ज्यादा फैलेगा, बढ़िया रहता है फिर, मतलब एक मोटिवेशन रहता है, बड़ा सा मोटिवेशन रहता है कि नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे वो रखूंगा, और एनिमेशन ला के रखना है, मशीन को तो एकदम ऐसे एकदम हलवा बना देना है सिंपल। बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक क्लास चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक क्लास में तो खत्म नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा पहले, ये मैंने पहले प्रॉमिस कर रखा है कि नेटवर्क और मेजरमेंट का पहले रिवीजन क्लास कंप्लीट करा दूं, तो पहले ये रिवीजन क्लास कंप्लीट होता है ना, तो फिर मैं देखूंगा कि जो बेसिक वो होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक कुछ 2 4 5 क्लासेस करा दूंगा, तो उसमें बहुत सारा चीज़ समिट में आ जाएगा, और वो छोटे छोटे क्वेश्चंस में करा दूंगा उसमें, ठीक है। एक क्लास से बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। MJ3 तो करेंगे, पहले मेजरमेंट का एक और क्लास है उसको कंप्लीट करने दो, फिर हम देखते हैं। ठीक, ओके बच्चों, तो रखा जाए। एनीथिंग एल्स, और कुछ कहना है तो बताओ, अदरवाइज हम इसको रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कल मिलते हैं आपसे 11 बजे के आसपास, फिर से बाकी क्वेश्चन जो इसमें है बचा हुआ। अच्छा, जो इसका PDF वगैरह है वो PDF आपको कहाँ पे मिल जाएगा, जो लिंक में है, डिस्क्रिप्शन आप देखोगे, जहाँ पे आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में देखोगे एक लिंक है, और वहीं पे मैं PDF डाल देता हूँ इसका, ठीक है। अब ये चीज़ है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता बच्चे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड देवेंद्र, ऐसे ही आप फैमिली बड़ा करो, बाकी हम देखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, और कल मिलते हैं।